Yes, समझा नहीं आया एक सेकेंड है एक सेकेंड है बच्चों ऑनलाइन वालों अभी चालू कर रहे हैं ये प्रोजेक्टर क्यों नहीं चल रहा है हेलो हेलो एक मिनट हाँ क्या बोल रहे हो फोटोस फोटोज खींचने ना आपको ठीक हेलो अरे प्लीज सेटल डाउन सब लोग प्लीज सेटल डाउन ऑनलाइन वाले बच्चे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चालू करेंगे अभी दो मिनट में हा ऑनलाइन वाले बच्चों अभी चालू करेंगे दो मिनट के अंदर अंदर तो चलिए अरे प्लीज सेटल डाउन वो चालू हुआ प्रोजेक्टर? हाँ ठीक है यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग so आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो कल क्या पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद आगे पढ़ना चालू करेंगे तो कल जो हम बात कर रहे थे उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। उसके बाद आगे पढ़ना चालू करेंगे अरे भाई चुप हो जाइए सब लोग कल जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं उसके बाद आगे पढ़ना चालू करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने चालू किया था डीम्ड इनकम वाला कॉन्सेप्ट डीम्ड इनकम क्या होता है कि जो लगेगा इनकम नहीं है बट उसको इनकम मान लेंगे करके ठीक है जो लगेगा के इनकम नहीं है बट उसको इनकम मान लेंगे तो डीम्ड इनकम में हमने कौन कौन सी सेक्शन पढ़ी थी एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन सिक्सटी एट सेक्शन सिक्सटी एट बोलता है कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में अगर कोई क्रेडिट हुआ और आप बता ही नहीं पा रहे हो कि वो पैसा कहां से आया है इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी या फिर क्या हुआ आपने किसी से लोन लिया जैसे मिस्टर बीबी ने फिजान भाई से लोन लिया था और फैजान भाई बता नहीं पा रहे वो पैसा कहां से लाया था तो ये बीबी की इनकम मानी जाएगी बीबी को इस पर टैक्स भरना पड़ेगा या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्लोजली हेल्ड कंपनी है और वो क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है उसको किसी से एज अ शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह पैसा मिला है और ये क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है उसको पैसा मिला एज अ शेयर कैपिटल बट वो बंदा बता नहीं पा रहा है रजनी जो है वो बता नहीं पा रहा है कि वो पैसा उसने कहां से कमाया था तो ये क्लोजली हेल्ड कंपनी के हाथ में इनकम मानी जाएगी

उसने दुबई में एक फ्लैट खरीदा द, दो करोड़ का अब दो करोड़ पच्चीस लाख की असेंट खरीदी उससे पूछा गया यह पैसा कहां से लाया था इसको पता नहीं है तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट तो यह भी इनकम मानी जाती है और उस पे भी टैक्स लगता है 78 की रेट से उसके बाद अनएक्सप्लेन मनी मनी वाली सेक्शन सिक्सटी नाइन ए है वो ये बोलती है कि अगर आपके बुक्स ऑफ बक... ए प्लीज ये तीन चार लोग जो है प्लीज मैं भगा दूंगा बाहर भेज दूंगा मैं सच बता रहा हूं ठीक है ये दो और वो दो बैठे वो ठीक है हाँ तो जो आपको रिवाइज कर चुपचाप ठीक है, है। तो चुप चलिए तो हम जो बात कर रहे थे वो सेक्शन सिक्सटी नाइन ए की बात कर रहे थे अगर किसी के घर पे मान लो पैसा मिल गया ज्वेलरी मिल गया बुलियन मिल गया और पता किया पूछा कि ये कहां से आया था आप उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हो या आप एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हो वो एक्सप्लेनेशन सेफेक्ट्री नहीं है तो जो वैल्यू की मिली है 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 वो आपकी इनकम मानी जाएगी उसके बाद एक सेक्शन बी बी होती है, ये बोलती है कि अगर आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपकी कोई असट है जो आपने बुक्स में पूरा रिकॉर्ड नहीं किया है पूरा रिकॉर्ड नहीं किया इसका मतलब यह हुआ जैसे आज की गोल्ड की रेट है वो साठ लाख है मैंने एक किलो गोल्ड खरीदा और मैं बोलता हूं मैंने पच्चीस लाख में खरीदा है

अब पापा ने बहुत पैसा उड़ाया एक दिन जाके इनकम टैक्स वालों ने पापा से पूछा कि ये पैसा कहां से लाया था पापा कुछ बता नहीं पा रहे कहां से लाया था पता नहीं भगवान जी देखे गए थे तो जब भगवान जी देखे गए थे तो बोलते थे और ये बोलती है कि अगर आपने हुंडी के बेसिस पे कोई भी किसी से लोन लिया या उस लोन का रीपेमेंट किया हुई पे हु मतलब प्रोमिजरी नोट पे और अगर कैश में किया आपने कैश में किसी से लोन लिया या कैश में लोन का रीपेमेंट किया तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी आपने कैश कैश में लोन लिया है या कैश में रीपेमेंट किया है वो आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी और टैक्स लग है, 69 है, 69 लगता है वो टैक्स परसेंट की रेट से लगता है उस पर पच्चीस परसेंट सरचार्ज होता है एंड 4 परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन मैं टैक्स रेट की बात करूंगा तो इफेक्टिवली आपकी यहाँ पेट की टैक्स रेट होती है इतना अपना कल पढ़ के हुआ था राइट आज अपन उससे आगे पढ़ना चालू करेंगे और आज जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग सा पार्ट पढ़ेंगे और कल से हम नए टॉपिक में शिफ्ट हो जाएंगे करके ठीक है पहला टॉपिक का

चलिए आज अपन बात करते हैं मुझे एक बात बताइए एक मैंने आपको ईयर बताया था प्रीवियस ईयर करके ठीक है प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर ऐसा ईयर होता है जैसे प्रीवियस ईयर अपना तेबिस चौबीस है जिस ईयर में आप इनकम को क्या करते हो अर्न करते हो तो जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो वो वाला ईयर होता है उसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर और जिस ईयर में उस इनकम पे जाके आप टैक्स भरते हो जिस ईयर में आप उस उसपे टैक्स भरते हो उसको क्या बोला जाता है असेसमेंट ईयर आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर है है वो चॉइस इस पीरियड में आप इनकम को कमाओगे और बेटा इसके अगले साल जाके इस पीरियड में आप उस पर क्या भरोगे टैक्स भरोगे टैक्स भरने का मतलब होता है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे रिटर्न का मतलब क्या होता है रिटर्न का मतलब यहां गोलमाल रिटर्न से नहीं है रिटर्न का मतलब पूरी का हिंदी में बोले तो मराठी में बोले तो विवरण पूरा कि तुमने इतनी कम इनकम कमाई कौन से हेड से कितनी इनकम कमाई टैक्स कितना निकलना उसका पूरा हिसाब किताब जो देते हो वो आप असेसमेंट ईयर में देते हो तो असेसमेंट ईयर में जाके और आप क्या करते हो ये जो इनकम है इस इनकम पे आप असेसमेंट ईयर में अपना रिटर्न फाइल करते हो और रिटर्न फाइल करने के बाद अगर कोई टैक्स पेबल आता है तो टैक्स भी है वो आप भरते हो वो असेसमेंट ईयर में भरते हो लेकिन एक बात समझना आज मैं आपको पांच ऐसे केस बताने वाला हूं जो इसका एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि भैया प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाओगे और प्रीवियस ईयर में ही आपको रिटर्न भरना है प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स भरना है हम वेट नहीं करेंगे असेसमेंट ईयर तक लॉजिक में बताऊंगा हर चीज का ये देखो आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस बताऊंगा नॉर्मल रूल तो यह है कि प्रीवियस ईयर में इनकम को कमाइए और असेसमेंट ईयर में जाके टैक्स भरिए प्रीवियस ईयर में इनकम को कमाइए और असेसमेंट ईयर में जाके टैक्स भरिए ये तो नॉर्मल रूल है एक्सेप्शनल रूल ये पढ़ेंगे कि भैया इनकम आपने इसी साल कमाई और इसी साल इस पर टैक्स भर दो आप बोलोगे इसी साल रिटर्न भरना पड़ेगा मतलब इनकम कमाई और इसी साल हां तो हाथ हमको रिटर्न भरना पड़ेगा क्या ऐसा करना पड़ सकता है आंसर इज यस करना पड़ सकता है कुछ केसेस में आप बोलोगे ऐसे कौन-कौन से केसेस हो सकते हैं तो मैं आपको पहले पूरा समझा दूंगा उसके बाद में जाके मैं आपको लिखवा दूंगा आपको जो बुक मिली होगी या ऑनलाइन वालों को अभी तक नहीं मिली होगी आपको अभी एक कंपाइलर क्वेश्चन आंसर का मिला है सर कॉन्सेप्ट की बुक मिलेगी क्या कॉन्सेप्ट की बुक मिलेगी बट अभी नहीं मिलेगी कॉन्सेप्ट की बुक कम से कम एक डेढ़ महीने बाद दूंगा और वो इसलिए दूंगा कि घर पे ले जाके उस बुक को सजा के आप रख सको करके ठीक है कॉन्सेप्ट है वो सब हम क्लास में लिखेंगे हर कॉन्सेप्ट है वो क्लास में लिखा जाएगा क्योंकि आपके पास चार पेज का बुक है तो चार पेज का बुक भी तो भरना है तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट को क्लास में लिखेंगे और क्या होता है ना जब आप रीड करते हो किसी कॉन्सेप्ट को उसको रिटेन करने में जितना पावर लगता है उससे कम पावर लगता है अगर आपने उसको लिखा है जब आपने अपने हाथ से किसी कॉन्सेप्ट को लिखा है ना तो वो याद रहता है लंबे टाइम तक इसके लिए मैं हमेशा लिखवाता हूं नहीं तो रीड करने में क्या होता है बच्चों को एक तो आलस आ जाती है कि भाई रीड ही तो करना है चलो मैं कर लेता हूं करके ठीक है तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट को लिखेंगे तो चलो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें इनकम अर्न भी प्रीवियस ईयर में की जाती है और उसपे टैक्स भी कौन से ईयर में भरा जाता है प्रीवियस ईयर या मैं ऐसा बोल दू क्या कि प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस की जो इनकम है इस पर टैक्स भी असेसमेंट ईयर में ही लगेगा यही वाली बात हो गई भाई एक बात बताओ ये प्रीवियस ईयर जो है तेबिस चौबीस ये असेसमेंट तो है पिछले साल के लिए भाई पिछले साल के लिए प्रीवियस ईयर बाईस तेईस के लिए असेसमेंट इौबिस है तो मैं ऐसा बोलू मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस में आप इनकम कमाओगे उस पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगेगा या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि प्रीवियस ईयर तेबिस चौबीस में जो इनकम कमाओगे उस पर असेसमेंट ईयर तेबिस चौबीस में ही टैक्स लग जाएगा ऐसा भी मैं बोल सकता हूं तो कुल मिला आप ऐसा याद रखिए कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई जाती है उसी इनकम पे उसी ईयर में टैक्स लगेगा ऐसा कब हो सकता है कौन कौन से केसेस है मैं आपको समझाता हूं आप इजीली इधर ध्यान दीजिए एग्जाम में चार मार्क का क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट अटेम थियोरिटिकल क्वेश्चन आया था चार मार्क का ऐसे दो केसेस बताओ कि के जहां प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाती है प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाती है लॉजिकल चीज है आप समझोगे तो आप बोलोगे हाँ यार ऐसा ही तो होना चाहिए करके ठीक है जैसे सबसे पहली सेक्शन आप लिखना कुछ नहीं है एक सेक्शन है सेक्शन 172 करके और 172 बोलती है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट किसी नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है एक एग्जांपल लेते हैं समझने की कोशिश करते हैं जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है अब आप ऐसे बुरा मत माने ये सिर्फ इंडिकेटिव मैप है ठीक है नहीं तो बोलेंगे आपने गलत बनाया ये इंडिया के साथ में श्रीलंका हमेशा अपने को कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है आज तक आपने कभी जाके श्रीलंका का मैप मांगा नहीं श्रीलंका हर इंडिया के मैप में कॉम्प्लीमेंट्री रहता है और पूरा दिखता है कर श्रीलंका बाकी पाकिस्तान अफगानिस्तान वगैरह है वो थोड़े थोड़े दिखाते हैं करके ठीक है कर श्रीलंका पूरा मिलता है आपको अब इंडिया में मान लो यहां पे एक मुंबई पोर्ट है पोर्ट समझते हो ना मुंबई पोर्ट बंदरगाह हाँ, ये वही बात करके ठीक है मुंबई पोर्ट है मुंबई पोर्ट मतलब जहां पे शिप आती है सामान लेके शिप जाती है अब हुआ क्या ये मुंबई पोर्ट है और मुंबई पोर्ट पे एक यूएसए की शिपिंग कंपनी है जिसका नाम है मान लो सनी इनकॉर्पोरेशन सनी इनकॉर्पोरेशन ऐसा कुछ नाम है और ये यूएसए का कंपनी है और ये शिपिंग कंपनी है अब ये क्या करती है बता है शिप लेके आती है और शिप लेके आती है इसमें कुछ माल भर के आई होंगी ये रही मान लो शिप ये शिप है। अब आप बोलोगे ये दिया लग रहा है करके ठीक है आपको जो लग रहा है लग रहा है बट मान लो ये शिप है करके ठीक है तो इसमें हुआ क्या होगा यूएसए में इसमें माल लोड हुआ होगा माल है पैसेंजर है जो लोड हुए होंगे वहां से आई होगी यह शिप चुक 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 इंडियन पोर्ट पे आई होगी ऐसी आवाज नहीं आती क्या तो जो भी आए कोई बात नहीं यह शिप जो है यह इंडिया पहुंच गई इंडिया पहुंचने के बाद यह मुंबई पोर्ट पे आई है अब मुंबई पोर्ट पे इसमें से कुछ सामान खाली होगा फिर सामान भरा जाएगा अब एक बात समझना मुंबई पोर्ट पे जैसे ही सामान भरा जाएगा इसमें लोड किया जाएगा जैसे ही सामान भरा जाएगा इसमें लोड किया जाएगा तो यह सामान को ले जाने से यह जो फॉरेन की कंपनी है यूएसए की उसको इनकम होगी कि नहीं होगी होगी फ्रेट का इनकम मिलेगा जो फ्रेट है भाड़ा मिलेगा भाई अब इंडियन पोर्ट से जो सामान लेके जा रहे हो उसका भाड़ा आपको अभी मिल गया बट हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं ना कि ये शिपिंग कंपनी जो है ये वापस इंडिया में असेसमेंट ईयर में आएगी या नहीं आएगी हमको क्या भरोसा भाई इसका क्या भरोसा इनका क्या भरोसा ये बांडिया वापस आएगा या नहीं आएगा बांडिया वो उसमें वो बोलता है ना मूवी चुप चुप के कि बांडिया सह लूंगा मैं करके ठीक है तो वो वाला मालिक का इतना खर्चा हो गया है तो एक चिप्स का पैकेट ले ही लेते हैं याद आया है वो मूवी नहीं बांडिया वाला मूवी तो भाई यहां पे मुंबई पोर्ट से जब माल भरा यहां पे गुड्स भर के और मान लो ये माल भरने का जो भाड़ा आया इस कंपनी के पास 25 लाख रुपए का मान लो भाड़ा आया अब ये भाड़ा आया तो इस भाड़े पे टैक्स इंडिया में लगना चाहिए क्योंकि इंडिया में इनकम अक्रूड हो रही है ये अक्रूड क्या होता है अपन आगे जाके पढ़ेंगे बट इंडिया में जब आप माल भर रहे हो इंडियन पोर्ट पे जब आप माल भर रहे हो तो उससे जो भी भाड़ा मिलेगा उस पर इंडिया में टैक्स भरना चाहिए लेकिन हमको भरोसा नहीं ना कि ये बंदा वापस आएगा या नहीं ये कंपनी वापस असेसमेंट ईयर में आके टैक्स भरेगी या नहीं तो इन्होंने एक सेक्शन 172 ऐसी बनाई है कि जो भी नॉन रेजिडेंट है जो बाहर के लोग हैं और वो शिपिंग बिजनेस में है और अगर वो इंडिया आते हैं और इंडियन पोर्ट पे कोई भी गुड्स या पैसेंजर लोड करके जाते हैं तो इसका जो भी भाड़ा मिलेगा ना उस भाड़े पे इंडिया में अभी टैक्स भरना पड़ेगा इनको क्या बोला कि अभी का अभी का आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो ऐसे दो पेज का सिंपल सा इनकम टैक्स रिटर्न रिटर्न होता है वो आप अभी का अभी का फाइल करके जाओ टैक्स भर के जाओ तभी हम इंडियन पोर्ट छोड़ने देंगे आपको अदरवाइज नहीं छोड़ने देंगे अब आप बोलोगे कि जब शिपिंग कंपनी मान लो मुंबई पोर्ट पे है वो उसकी शिप जो है बहुत बड़ी शिप होती है वो मुंबई पोर्ट पे है तो सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या वहां शिप वहां पे भी है क्या आंसर इज यस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर वहां पोर्ट पे भी बैठे हैं अगर आप मुंबई पोर्ट जाके देखोगे वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर बैठे रहते हैं वहां पे बैंक बैंक भी भी है है बैंक भी है करके ठीक की ब्रांच होती जितनी भी बैंक है वो पोर्ट पे भी खुली रहती है और चौबीसों घंटे बैंक खुली रहती है वहां पे वहां चौबीसों घंटे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुला रहता है तो किसी को भी जाने नहीं देंगे और कस्टम वालों को बोला हुआ है जो कस्टम अपने जो होते हैं ना कस्टम वाले उनको बोला हुआ है कि जब तक ये टैक्स भरके ना जाए तब तक आप इनकी शिप को इंडियन यहां से बाहर जाने मत देना इंडिया से उसको इंडियन पोर्ट छोड़ने मत देना जब तक ये टैक्स भरके ना जाए दिस इज द सेक्शन 172। लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है लग रहा है लॉजिकल ऐसे का ऐसे। एक सेक्शन होता, 174 174 होता है कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है और उसका वापस आने का कोई इंटेंशन नहीं है विजय माल्या जैसा नाम बोला नीरम मोदी करके ठीक है बट उनको पकड़ ही नहीं पाए जाने से पहले ही ठीक है यहां पे क्या होता है 174 सेक्शन ये बोली कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो परमानेंटली इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है और यहां इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लग जाता है ठीक है कि ये भाई वापस नहीं आने वाला असेसमेंट ईयर में आके यहां कोई रिटर्न नहीं भरने वाला कोई टैक्स नहीं भरने वाला तो उसको एज इट इज अभी का अभी दबोच लिया जाता है इधर ठीक है और अभी का भी टैक्स भर अभी का भी प्रीवियस ईयर में रिटर्न भर वो सेक्शन होती है 174 करके एक और कॉन्सेप्ट होगा कि अगर आपने कोई एओपी बीओआई बनाया वो एक स्पेशल इवेंट के लिए बनाया और वो इवेंट खत्म होते ही वो एओपी बीओआई को आपने भंग कर दिया जैसे एग्जांपल के लिए हमारे यहां गणपति आने वाले हैं तो हम दस लोगों ने सोचा कि हम गणपति में क्या करेंगे लड्डू बेचेंगे मोदक के लड्डू बना के और हम बेचेंगे मूर्तियां बेचेंगे हम लोग करके मोदक लड्डू अलग अलग होता है क्या सॉरी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो हम लोग मोदक बना के बेचेंगे या फिर हम लड्डू बना के बेचेंगे करके ठीक है हम लोग मूर्तियां बेचेंगे हमने एक महीने तक यही काम किया और एक महीने में जो पैसा कमाया कमा के और उसको बंद कर दिया भंग कर दिया तो अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भाई साहब ये लोग टैक्स भरेंगे या नहीं तो हाथों हाथ प्रीवियस ईयर में ही हमको बोला जाएगा कि तुम टैक्स भर लो करके ठीक है आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा समझ रहा है ना तो चलिए हेडिंग दीजिए अगर मान लो चार लाइन ही बची है तो अगले पेज पे चले जाइए और अगर मान लो चार लाइन से ज्यादा बची है तो आप उसी पेज पे रहिए करके ठीक है लिखिए इन द फॉलोइंग केसेस हेडिंग दीजिए इन द फॉलोइंग केसेस इन द फॉलोइंग केसेस इन द फॉलोइंग केसेस इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इन प्रीवियस ईयर इस टैक्सेबल इन प्रीवियस इयर इट्स सेल्फ इन द फॉलोइंग केसेस इनकम अर्न इन प्रीवियस इयर इज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर इट्स सेल्फ इन द फॉलोइंग केसेस इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर इट सेल्फ लिखिए सबसे पहले पहली सेक्शन सेक्शन 172 करके सेक्शन नंबर यहां याद नहीं रखोगे चलेगा कहां कहां सेक्शन नंबर याद रखनी है मैं बताऊंगा कि ये सेक्शन याद रखनी है ये नहीं रखोगे सेक्शन नंबर चलेगा सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है लिखिए हेडिंग दीजिए शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट 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 अंडरलाइन करके डैश करके लिखिए अंडरलाइन करके डैश करके लिखिए लिखिए इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एंगेज इन शिपिंग बिजनेस इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एंगेज इन शिपिंग बिजनेस एंगेज एंगेज मतलब एंगेज एंगेज मतलब काम कर रहा है ऐसा वो तुम्हारा वाला एंगेज नहीं ठीक है कि नॉन रेजिडेंट एंगेज एंगेज होगा तो ये लगेगा ऐसा नहीं है नॉन रेजिडेंट एंगेज इन शिपिंग बिजनेस शिपिंग बिजनेस रिक्वायर टू पे टैक्स इन इंडिया रिक्वायर टू पे टैक्स रिक्वायर टू पे टैक्स इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर इट्स सेल्फ इन प्रीवियस ईयर इट्स सेल्फ बिफोर लिविंग इंडियन पोर्ट बिफोर लिविंग इंडियन पोर्ट बिफोर लिविंग इंडियन पोर्ट फुलस्टॉप नाउन नेक्स्ट लाइन में लिख नेक्स्ट लाइन क्या ना नेक्स्ट लाइन में लिखिए इसी पॉइंट में इन दिस केस इन दिस केस इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज इन दिस केस इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट कैलकुलेटेड एज फॉलोज इन दिस केस इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकम तो इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप सबका ध्यान इधर देना एक बार लिखना बाद में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके इंटर में नहीं आएगा सीए फाइनल में आता है ये कॉन्सेप्ट इंटर में सिर्फ इतना है कि भाई ऐसे कौन कौन से केसेस है जिसमें प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना है तो आपको याद रखना है नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस बस यहां कैसे टैक्स निकालते हैं कैसे इनकम निकालते हैं तो इसमें इनकम लिया जाता है अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया और outside india amount received in india or outside india for goods or passenger shipped at indian port मल्टीप्लायर बाय सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इनकम माना जाता है मल्टीप्लाई बाय सेवन पॉइंट फाइव परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेवन पॉइंट फाइव परसेंट एंड मल्टीप्लायर बाय टैक्स रेट जो लिया जाता है यहां पे चालीस परसेंट चालीस परसेंट टैक्स रेट होता है प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट फो इतना टैक्स भर के जाना पड़ता है तो लिखिए मैंने लिखा एक बार वापस रीड कर रहा हूं कॉपी करिए इसको अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया फॉर गुड्स और पैसेंजर शिफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है शिप्ड। शिप्ड मतलब लोड लोड लिख सकते हो हिंदी में करके ठीक है चाहिए तो हिंदी में तो क्या बोलते हैं शिप करना लोड करना चढ़ाना गुड्स और पैसेंजर शिप्ड एट एनी इंडियन पोर्ट तो देखो जितना पैसा उस नॉन रेजिडेंट को मिला पैसा भले इंडिया में मिला या इंडिया के बाहर मिला लेकिन वो गुड्स कहां पे लोड हो रहा है इंडिया में हो रहा है गुड्स या पैसेंजर इंडियन पोर्ट पे लोड हो रहा है तो उतना जितना भी पैसा मिला होगा जैसे मान लो उसको पचास लाख का भाड़ा मिला तो पचास लाख पूरा इनकम नहीं है उसका सीधा साढ़े सात परसेंट है। ये फिक्स कर दिया कि साढ़े सात परसेंट तुम्हारा इनकम है और उस पर आपको चालीस परसेंट टैक्स भरके जाना है चालीस परसेंट रेट मतलब फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट और सरचार्ज है वो तभी लगेगा जब इनकम एक करोड़ से ज्यादा होती है तो जैसे फॉरेन कंपनी में टू परसेंट सरचार्ज लगता था यहाँ टू परसेंट लगेगा और फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा ये आप ये वाला पार्ट आप याद में ही नहीं रखोगे तो भी चलेगा आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन द शिपिंग बिजनेस अगर इंडियन पोर्ट छोड़ के जा रहा है तो उसको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भर के जाना पड़ता है लिखिए दूसरी सेक्शन लिखिए सेक्शन 174 174 लिखिए पर्सन लिविंग इंडिया सेक्शन 174 लिखिए पर्सन लिविंग एल ई आई एन जी लिविंग मतलब छोड़ के जाना पर्सन लिविंग इंडिया लिखिए नेक्स्ट लाइन में इफ इट इज अपीयर्स टू एओ इफ इट इज अपीयर्स इफ इट इज अपियर अपियर मतलब लगता है अपियर टू एओ एओ का मतलब क्या होता है एओ अपन ए लिखेंगे बोरबा ए का मतलब क्या होता है असेसिंग ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स ऑफिसर तो आपने लिखा इफ इट इज अपियर टू एओ दैट एनी पर्सन लिविंग इंडिया इफ इट इज अपियर टू एओ दैट एनी पर्सन लिविंग इंडिया लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट सेटलमेंट for permanent settlement then ao may ask then ao may ask ao may ask the assessee to pay tax ao may ask assessee to pay tax pay tax in previous year itself इन प्रीवियस ईयर इट्स सेल ऑन द इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर पे टैक्स इन प्रीवियस ईयर इट्स सेल ऑन द इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर फुल स्टॉप एग्जाम्पल लिख लीजिए लिखिए मिस्टर हरी लिविंग इंडिया मिस्टर हरी लिविंग इंडिया On 10 December 2023, Mr. Hari leaving India on 10 December 2023. In this case, in this case, AO may ask Hari, AO may ask Hari, AO may ask Hari to pay tax on income

इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इट सेल्फ इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इट सेल्फ इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इट सेल्फ नॉ ग एक और सेक्शन लिखिए सेक्शन वन सेवेंटी फोर ए करके वन सेवेंटी फोर ए लिखिए ए पी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म फॉर्म का मतलब बनाया है फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और परपज एओ पीबीआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। नेक्स्ट लाइन में लिखिए इफ एओपी स्लैश बी ओ आई स्लैश ए इफ एओपी स्लैश बी ओ आई स्लैश ए जे इज फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट इज फॉर्म फॉर फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट एंड डिजॉल्व इन प्रीवियस ईयर इट and dissolve in previous year itself previous year itself full stop in this case AO may ask the assessee in this case AO may ask the assessee to pay tax on income to pay tax ऑन इनकम इन प्रीवियस ईयर इट्स सेल्फ टू पे टैक्स ऑन इनकम इन प्रीवियस ईयर इट्स सेल्फ एग्जाम्पल लिखिए अ बी ओ आई इज फॉर्म अ बी ओ आई इज फॉर्म टू डू बिजनेस इन टू डू अज फॉर्म टू डू बिजनेस बिजनेस अब यू आई फॉर्म टू डू बिजनेस बिजनेस टू डू बिजनेस इन गणेश चतुर्थी फेस्टिवल टू डू बिजनेस इन गणेश चतुर्थी फेस्टिवल टू डू बिजनेस इन गणेश चतुर्थी फेस्टिवल गणेश चतुर्थी फेस्टिवल कौन से मंथ में आते हैं सेप्टेंट तो ब्रैकेट में लिखो सेप्टेंबर 2023 सेप्टेंबर 2023 ब्रैकेट क्लोज एंड डिसॉल्व आफ्टर गणेश चतुर्थी एंड डिसॉल्व आफ्टर गणेश चतुर्थी एंड डिसॉल्व आफ्टर गणेश चतुर्थी इन दिस केस एओ मे आस्क इन दिस केस एओ मे आस्क इन दिस केस एओ मे एस्क एओ में आस्क बीओ आई टू पे टैक्स बीओ आई एओ में आस्क बीओ आई टू पे टैक्स इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एओ में आस्क टू बीओ आई टू पे टैक्स इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ऑन इनकम अर्न ऑन इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ऑन इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर चलिए दो और छोटी छोटी सेक्शन है वो पहले लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझा दूंगा तो चलिए लिखिए फाइव वन सेवेंटी फाइव सेक्शन वन सेवेंटी फाइव और इसमें लिखिए हेडिंग दीजिए पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स उसमें लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो इफ इट इज अपियर टू एफ इट इज अपियर टू ए If it is appear to AO that any person likely to transfer, if any person likely to transfer, comma sale, comma gift, any of his asset, any of his asset, to avoid payment of any of his asset to avoid payment of any liability payment of any liability in income tax payment of any liability in income tax then ao may ask then ao may ask assessee to pay tax in previous year itself ao may ask assessee to pay tax इन प्रीवियस इट सेल एक और लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं और उसके बाद अपन इसको दोनों को एक्सप्लेन करेंगे लास्ट सेक्शन लिखिए सेक्शन 176 करके और सेक्शन 176 में लिखिए डिसकंटिन्यूड बिजनेस डिसकंटिन्यूड बिजनेस डिसकंटिन्यूड बिजनेस लिखिए डिसकंटिन्यूड बिजनेस और लिखिए इसमें If any business or profession, if any business or profession is discontinued, if any business or profession is discontinued in previous year, if any business or profession is discontinued in previous year, then AO may ask us

Miss Gia Miss Gia discontinued her business Miss Gia discontinued her business on twelfth December two thousand twenty three On twelfth December two thousand twenty three In this case AO may ask In this case एओ जिया टू पे टैक्स टू पे बिटवीन ऑन इनकम ट्वेंटी बिटवीन फर्स्ट अप्रैल 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेल्थ दिसंबर 2023, टिल ट्वेल्थ दिसंबर 2023, इन प्रीवियस ईयर 23-24 इटसेल्फ इन प्रीवियस ईयर 23-24 इटसेल्फ चलिए अब आप मेरी तरफ देखिए इधर देखिए हाँ, इधर उसका टाइमिंग होता है हर वैसे से है हाँ, नहीं होता है ठीक है हाँ तो देखिए मैंने आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे पांच केस है जिसमें इनकम कमाई भी प्रीवियस ईयर में जाती है 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 और टैक्स भी भी प्रीवियस में है, मिस भी प्रीवियस ईयर ईयर में में भरना भरना मिस रिटर्न ही ऐसे कौन कौन से केस है? शिपिंग बिजनेस वाला हम पढ़ चुके हैं इंडिया से बाहर कोई पर्सन जा रहा है और एओ को लग जाता है कि वापस नहीं आने वाला ये विजय माल्या बनने वाला है ये नीरव मोदी बनने वाला है तो हाथों हाथ उसको धापा जाएगा और बोला अभी का भी रिटर्न भर इस साल का भी या फिर एओपी है वो आपने कुछ स्पेसिफिक इवेंट के लिए पर्पस के लिए बनाई जैसे हमने लिया गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल के लिए अब 75 सेक्शन क्या है 175 कि कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास कुछ असेट है अब उसको पता लगा कि भाई मेरे पे तो बहुत भारी टैक्स आने वाला है तो वो क्या करता है टैक्स की चोरी करने के लिए मान लो वो दिवालिया होने वाला है तो दिवालिया होने से पहले पहले वो अपनी सब असेट को बेच देगा किसी को या गिफ्ट देगा अपने रिलेटिव को अपने पहचान वालों को सबको बांट देगा और उसके बाद असेसमेंट ईयर में जाके बोलेगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं असेसमेंट ईयर में जाके बोलेगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तो यहां पे हुआ क्या जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं ये बंदे का आपका नाम चेतन करके ठीक है मिस्टर चेतन मिस्टर चेतन ये चेतन करके एक बंदा है अब इनके पास में है ना इस साल की कुछ इनकम है अब इस साल की कुछ इनकम है तो उस पर टैक्स आएगा वो टैक्स तो असेसमेंट ईयर में आएगा अब भैया टैक्स भरना चाहता ही नहीं है अपने आपको दिवालिया बताना चाहता है तो दिवालिया समझते हो ना इंस्टॉलमेंट तो ये क्या करता है अपने पास में एक घर है मान लो इसके पास में कुछ शेयर्स वगैरह है कुछ बैंक वगैरह है ये फटाफट बेचना चालू करता है सेल कर देता है किसी को मान लो है वो इसके रिलेटिव को किसी को दूर के रिलेटिव को गिफ्ट कर देता है ये भी किसी को गिफ्ट कर देता है और असेसमेंट ईयर में जाके बोलता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं मैं तो कहां से टैक्स भरू मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं मैं तो इंस्टॉलमेंट हो गया तो ये पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई असैट अगर कोई असेससी है वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट कर रहा है किसी को दे रहा है टू ओनली अवॉइड टू पे टैक्स कि उसको टैक्स भरना ना पड़े इसके लिए वो ऐसा कर रहा है तो यहां पे एओ के पास पावर है कि एओ चाहे तो उससे प्रीवियस ईयर में जब वो असट बेच रहा होगा ना उसी टाइम उसको बोला जाएगा इधर इधर ये असेट बेच वगैरह रहा है उससे पहले तू तो हमारा टैक्स भर हमारा जो टैक्स है वो प्रीवियस ईयर में ही भर ले ऐसा एओ बोल सकता है और लास्ट वाला पार्ट है डिसकंटिन्यूड बिजनेस डिसकंटिन्यूड बिजनेस का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई बिजनेस चला आ रहा था दस साल से इस साल आपने बिजनेस बंद कर दिया तो इस साल जब आपने बिजनेस बंद कर दिया तो इस साल की जो इनकम हुई होगी अगर एओ चाहे तो इस साल की इनकम पे इसी साल में टैक्स ले सकता है अगर एओ चाहे तो इस साल की इनकम पे इसी साल में टैक्स ले सकता है इज द सेक्शन 176 लेकिन एक बात बताऊं ये जितनी भी पांच पॉइंट पड़े हैं ना पांच में से पहला पॉइंट जो है ना शिपिंग वाला वो मैंडेटरी है मतलब वो तो होगा ही होगा ये जो बाकी वाले चार पॉइंट पड़े हैं ना आप चारों पॉइंट में देखोगे वहां पे मैंने लिखवाया है अगर एओ को लगता है तो ये जो लास्ट वाले जो चारों पॉइंट है उसमें के जा रहे हो तो चार महीने के लिए तो आप एओ लग को लगता है तो ये लास्ट के चार पॉइंट ऐसे है जिसमें एओ को अगर लगता है तो ही एओ प्रीवियस ईयर में आपसे रिटर्न भरवाएगा टैक्स लेगा नहीं तो नॉर्मल वाले असेसमेंट ईयर में ही जाएगा बट जो शिपिंग वाला पॉइंट है वो शिपिंग वाला मैंडेटरी है शिपिंग के केस में तो कोई भी अगर शिप आती है इंडियन पोर्ट पे और जब भी इंडिया छोड़ के जाएगी उसको इंडिया में टैक्स भरके जाना ही पड़ेगा तो लिखो इसका भी एक नोट ही लिख लो ना लिखो नोट नंबर वन लिखो नोट नंबर वन सेक्शन वन सेवनटी टू सेक्शन वन सेवेंटी टू सेक्शन वन सेवेंटी टू ब्रैकेट में लिखिए नॉन रेजिडेंट एनआर शिपिंग ब्रैकेट में लिख लीजिए एनआर शिपिंग इज मैंडेटरी सेक्शन इज मैंडेटरी सेक्शन बट अदर सेक्शंस आर एप्लीकेबल बट अदर सेक्शंस आर एप्लीकेबल ओनली इफ इट इज अपियर टू अदर सेक्शंस आर एप्लीकेबल ऑनली इफ इट इज अपियर्स टू एओनली इफ इट इज अपियर्स टू एओ उसके बाद दूसरा नोट लिखिए इन ऑल द अबोव केसेस इन ऑल द अबोव केसेस इन ऑल द अबोव केसेस एस एससी रिक्वायर टू पे टैक्स इन ऑल द अबोव केसेस एस एस सी रिक्वायर टू पे टैक्स एंड फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम अस एस सी रिक्वायर टू पे टैक्स एंड फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम इन प्रीवियस ईयर इट्स सेल्फ मीन्स फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम इन प्रीवियस ईयर इट्स सेल्फ डन चलिए एक बात बताओ हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि जब हम क्वेश्चन कर रहे थे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे एग्रीकल्चर इनकम में जैसे क्वेश्चन नंबर थर्टीन किया था फोर्टीन के नीचे ये लिखा हुआ था इग्नोर वन वन फाइव बी एस ऐसा था ना हर जगह कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ था बहुत सारी जगह जो है मैंने जो पहले क्वेश्चन कराए थे उसमें भी हर जगह ये लिखा था इग्नोर वन वन फाइव बी ए सी इग्नोर वन वन फाइव बी ए सी एक बात बताओ मैं जब आपको अभी पढ़ा रहा था स्लेबरेट, मैंने स्लेबरेट पढ़ाया था, एक बार करेंगे, सब लोग आर्टिफिशियल जो पर्सन भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है टैक्स रेट कितना टू फिफ्टी तक कोई भी टैक्स नहीं है टू फिफ्टी से फाइव लैख फाइव परसेंट फाइव लैख टू टेन लाखेंट मोर देन टन लैटी सीनियर सिटीजन केस में जो सीनियर सिटीजन है उसके केस में जिसकी एज क्या होनी चाहिए सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी एज 80 या उससे ज्यादा है 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है फाइव लाख टू टेन लाख ट्वेंटी परसेंट मोर देन टेन लाख थर्टी परसेंट इंडिविजुअल एच यूएफी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के केस में सरचार्ज भी लगता है सरचार्ज कब लगता है जब इनकम पचास लाख से ज्यादा है पचास लाख से ज्यादा अप टू वन करोड़ तो सरचार्ज लगेगा टेन परसेंट वन करोड़ से ज्यादा अप टू टेन करोड़ तक सॉरी टू करोड़ तक सरचार्ज कितना लगेगा फिफ्टीन परसेंट टू करोड़ से फाइव करोड़ ट्वेंटी फाइव परसेंट फाइव करोड़ से ज्यादा होगा तो थर्टी सेवन परसेंट और हेल्थ एंड एजुकेशन और एक अपन ने पता है वो रिबेट पड़ा था सेवन ए का वो कब मिलता है जब आपकी इनकम पांच लाख तक ही है तो आपको कुछ भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है तो पांच लाख तक है तो जो टैक्स आएगा और, फाँग फाँग इस, और अगर पांच लाख से थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया तो क्या वहां मार्जिन रिलीफ था क्या नहीं वहां पे टैक्स लगता ही था ये तो मैंने आपको पढ़ाया बट इस बार का बजट आया तब आपने बजट में यह कहते हुए सुना होगा सात लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता ये सुना था कि नहीं सुना बताओ सुना था कि नहीं सुना आपने इस बार के बजट में यह भी सुना होगा कि सरचार्ज की रेट कम की गई है क्या सैतीस परसेंट सरचार्ज नहीं लगेगा यह भी आपने सुना था कि नहीं सुना आपने ये ये दो चीजें आपने ये सुना था कि नहीं सुना सात लाख की इनकम पे टैक्स नहीं लगता ये तो सुना था आपने बट सर आपने कहा पढ़ाया है ये ये तो पढ़ा ही नहीं देखो अगर मैं आपको बजट प्रपोजल की बात करूं तो इस बार का बजट 2000 बजट प्रपोजल किसी ने डाला होगा तो मैं आपको बजट प्रपोजल 2023 वाला तो अगर मैं बजट प्रपोजल बता दूं कि इस बार के बजट में क्या क्या था तो यहाँ पे पहली चीज तो नेट चलना चाहिए करके ठीक है यहाँ पे डॉक्टर टीए खुरेशी का केस ही खुला हुआ है डॉक्टर टीए खुरेशी पुड़िया बेचता था क्या बेचता था क्या बेचता है बोलता है हीरोइन बेचता था हीरोइन नहीं रहे हीरोइन हीरोइन या हीरोइन हां बजट बजट 2023 प्रपोजल्स इनकम टैक्स हम्म अरे रे रे ये क्या हुआ मैंने ना ये जाना नेट नहीं चल रहा है अभी हम क्या करें वाईफाई से कनेक्ट ही है तो भी नहीं चल रहा है छोड़ो

आज तक वाले वगैरह वो आज तक वाले और एबीपी न्यूज वाले ऐसे हेडलाइन चलाते जैसे टैक्स एक्सपर्ट तो वही है मोबाइल डेटा तो है ही नहीं इसमें सिम कार्ड ही नहीं है तो मोबाइल डेटा कहाँ से आएगा चलो ट्राई कर लेते तो, एक बार लास्ट टाइम अगर खुलता है तो नहीं तो कोई बात नहीं टैक्स प्रपोजल्स इन बजट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर देखो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो किसका है टाइम्स इकोनॉमिक्स टाइम का 10 फरवरी दो हजार दो का आर्टिकल है 10 फरवरी 2023 का अब इसमें देखो क्या लिखा है इन्होंने पता है इन्होंने लिखा है बजट 2023 हजार दैट अनाउंस इंडिविजुअल विल नॉट हैव टू एनी टैक्स द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सिड सेवन लैक इन द फाइनेंशियल ईयर

ऐसा जो है वो इस बार के बजट में था तो ये क्या है कैसे है वो आज अपन पढ़ना चालू करेंगे एक सेक्शन डाली गई इन्होंने इधर देखिए सब लोग सब लोग सबका ध्यान इधर होना चाहिए ये सेक्शन पहले से थी लेकिन इस साल इस सेक्शन को अमेंड किया गया एक सेक्शन डाली गई और इस सेक्शन का नंबर है कुछ लिखना नहीं है सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी करके बोलो क्या बोला बी ए सी और इस सेक्शन में बोला गया कि अगर आप इंडिविजुअल हो या एच यू एफ हो या एओपी हो, हो या बी हो या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन ये वही वाले गरीब लोग हैं ना जिन पे स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है राइट right? क्योंकि कंपनी पे तो फ्लैट टैक्स लगती है फॉर्म तो पे फ्लैट टैक्स रेट लगता है इन पे जो है वो स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है इनको बोला क्या तुम्हारी सेलेबरेट क्या रहेगी पता है इनको बोला कि अप टू थ्री लैख तक का जो इनकम रहेगा जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है वो अगर अप टू थ्री लैक है टोटल इनकम अप टू थ्री लैख है तो तुम्हारे डैश पे डैश मिस कोई भी टैक्स नहीं लगेगा लेकिन अगर मान लो थ्री लैख लेक से लेके और आपकी इनकम छह लाख रुपए तक रहेगी तो आपको टैक्स लगेगा पांच परसेंट से अगर आपकी इनकम छह लाख से लेके और नौ लाख रुपए तक रहेगी तो आपको टैक्स लगेगा टेन परसेंट की रेट से अगर आपकी इनकम नौ लाख रुपए से लेके और बारह लाख रुपए तक रहेगी तो आपको टैक्स लगेगा पंद्रह परसेंट की रेट से आपकी इनकम बारह लाख से लेके और पंद्रह लाख रुपए तक रहेगी तो आपको टैक्स लगेगा बीस परसेंट की रेट से और अगर आपकी इनकम पंद्रह लाख से जितनी भी ज्यादा रहेगी उस पर आपको टैक्स लगेगा तीस परसेंट की रेट से आप बोलोगे कैसे याद रखे इसको करके ठीक है तो याद रखने के लिए बाबू यहां पे आप तीन तीन लाख जोड़ते जाइए यहां पे तीन तीन लाख जोड़ते जाइए और यहां पे पांच पांच परसेंट जोड़ते जाइए बट लास्ट वाले में दस परसेंट जोड़ना है मीन बीस के बाद यहां पच्चीस नहीं है सीधा तीस है तो देखो नेट टैक्सेबल इनकम अगर आपकी तीन लाख तक है कोई टैक्स नहीं तीन लाख से छह लाख पांच परसेंट छह लाख से नौ लाख दस परसेंट नौ लाख से बारह लाख पंद्रह परसेंट बारह लाख से पंद्रह लाख बीस परसेंट पंद्रह लाख के ऊपर तीस परसेंट अब एक बात बताओ सर आप बोल रहे हो इंडिविजुअल एच यूएफ एओपी बीओ आई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन इनमें ये स्लैब रेट है सर एक बात बताओ सीनियर सिटीजन हुआ तो क्योंकि आपने वहां पे तो पहले क्या बताया था वो नॉर्मल टैक्स रेट है वो क्या है नॉर्मल टैक्स रेट ठीक है और ये स्पेशल टैक्स है एक इन्होंने बोला वहां तो आपने बताया था कि नॉर्मल केस में ढाई लाख सीनियर सिटीजन है तो तीन लाख सुपर सीनियर सिटीजन है तो पांच लाख सर यहां पे भी कोई ऐसा है या यहां यह सबके लिए है राइट आंसर यह सबके लिए है भले आप सीनियर सिटीजन हो भले आप सुपर सीनियर सिटीजन हो भले आप सौ साल के हो करके ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता भले आप एओपी हो बीओआई हो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो आप चाहो तो ये वाली टैक्स रेट से टैक्स भर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब आप मुझे ये बोलोगे कि सर ये तो टैक्स रेट हुई सरचार्ज लगेगा या नहीं तो देखो मैंने आपको वहां पे क्या बताया था कि नॉर्मल प्रोविजन में क्या होता था कि आपकी अगर जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज का रेट कितना था 10% परसेंट और एक करोड़ से ज्यादा है तो 15% परसेंट दो करोड़ से ज्यादा है तो 25% परसेंट भाई दो करोड़ से पांच परसेंट तक पांच करोड़ तक पच्चीस था और पांच करोड़ के ऊपर 5 करोड़ के थर्टी सेवन अगर आप ये वाली टैक्स रेट से टैक्स पे करते हो तो इन्होंने सैतीस परसेंट वाला सरचार्ज हटा दिया मिस दो करोड़ के ऊपर कितना भी इनकम हो आपको सिर्फ पच्चीस सैतीस परसेंट वाला हटा दिया अब एक बात बताओ अभी तक के नॉलेज को देखते हुए जो मैंने आपके सामने ये पिक्चर बना के रखी है आपको क्या लगता है एसएससी के लिए कौन सा वाला बेनिफिशियल है ये वाला या नॉर्मल वाला आपको क्या लगता है एस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या है जैसे आ, आपकी इनकम पंद्रह लाख है मान लो तो आपके लिए टैक्स इसमें ज्यादा आएगा या उसमें ज्यादा आएगा हा? भाई ये ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए या नॉर्मल वाला ज्यादा बेनिफिशियल है हा? एक बार कैलकुलेट करके देख लो कि ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है ये वाला या नॉर्मल वाला चेक कर लो ना एक बार ये वाला या नॉर्मल वाला ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है ये वाला या नॉर्मल वाला हाँ बेटा कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है आपको सही बात मार्केट में वैल्यू कुछ और हाँ भाई कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल आपको लग रहा है हाँ भाई ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो भाई साहब हो जितने भी लोग उधर कन्याकुमारी इधर जम्मू कश्मीर सब लोग इस संडे को दीवार टूटने वाली है ये संडे को दीवार टूटने वाली है तो शायद सैटरडे को भी तुम्हारी छुट्टी रहेगी इस बार ठीक है तो सैटरडे को भी छुट्टी रहेगी थोड़ा होमवर्क देंगे आपको इस बार टेस्ट देंगे ठीक है मेरी बात सुनो मेरी बात ए, ए, भाई एक बात बताओ ये तो कॉमन सेंस का एक बच्चा भी बता सकता है कि ज्यादा बेनिफिशियल ये वाला है या पुराना वाला है ये वाला ज्यादा बेनिफिशियल है तो गवर्नमेंट अगर कोई बेनिफिट देना चाहती है तो आपसे कोई बेनिफिट लेती भी तो होगी अब आप बोलोगे सर ये वाला बेनिफिशियल है तो इस इंडिया में हर कोई ये वाला ही फॉलो करेगा बट क्या ऐसा है क्या क्या है मैं बताऊं आपको इसको बोला जाता था पहले ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिज्यूम करके ठीक है और लास्ट ईयर तक इसमें थोड़ी सेलेब्रेट अलग थी इसी साल से इन्होंने अमेंडमेंट करके ये किया है लॉ मेकर्स बोलते ये चाहो तो आप यह ले लो इसी से टैक्स भरो बट अगर ये अगर आप टैक्स भरोगे ना तो हम आपके बहुत सारे बेनिफिट को छीन लेंगे हम आपको कुछ बेनिफिट नहीं देंगे अब आप बोलोगे क्या क्या बेनिफिट नहीं देंगे करके ठीक है ये मैं आपको पूरे इनकम टैक्स पढ़ाते पढ़ाते हर जगह बताऊंगा कि ये बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा अब मैं आज बताने जाऊंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे ये क्या बोल रहा है जैसे क्या क्या बेनिफिट नहीं मिलेंगे उसका सिर्फ मैं दो तीन हिंट्स ले रहा हूं जैसे आपको पता है हमने डिडक्शन में बोला था कि कुछ आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन मिलते हैं अंडर चैप्टर सिक्स से जैसे एटीसी में अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो उसका डिडक्शन मिलता है अगर आपने मेडिक्लेम कराया तो एटीडी में डिडक्शन मिलता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया तो ए जी जी सी में डिडक्शन मिलता है आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है उस पर टीटी ए टी टी बी में तो बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं लॉमेकर बोलते हैं कि अगर आप ये रेट से टैक्स भरना चाहते हो तो हम आपको कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं देंगे हम आपको कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं दे देंगे कुछ एक्जेम्पन होती है कुछ इनकम होती है जो एक्जेम होती है एग्जेपन का बेनिफिट मिलता है तो ये बोलते हैं हम आपको एग्जेपन डिडक्शन का बेनिफिट नहीं देंगे अगर आप इस रेट से टैक्स भरते हो तो और अगर आप पुरानी जो नॉर्मल है उस नॉर्मल रेट से टैक्स भरते हो तो आप डिडक्शन ले सकते हो एक्सेंशन ले सकते हो अब ये एक एक हेड में मैं बताऊंगा जैसे मैं हाउस प्रॉपर्टी कल से चालू करूंगा तो कल मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी में ये बताऊंगा कि हाउस प्रॉपर्टी में हाउसिंग लोन अगर लिया ना और अगर घर आप रहने के लिए यूज कर रहे हो तो उसमें दो लाख तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है मिस जैसे आपने देखा होगा बहुत बार आपके अगर भैया है आपकी फैमिली में घर खरीदते तो हम लोन लेके खरीदते हैं क्योंकि लोन का इंटरेस्ट जाता है ना वो इंटरेस्ट की छूट मिलती है कुछ डिडक्शन मिलता है तो वो नॉर्मल वाले में मिलेगा बट अगर आप ये सेक्शन लोगे इस रेट से टैक्स भरोगे तो इंटरेस्ट की कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी तो अब हमको क्या करना पड़ता है पता है हर साल ये चेक करना पड़ता है हर एस का चेक करना पड़ता है देखना पड़ता है कि ये एस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है ये वाला है या नॉर्मल वाला है नॉर्मल वाले में बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं एक्जशन मिलते हैं इसमें कुछ एग्जेम्पन डिडक्शन नहीं मिलते तो जैसे कोई ऐसा बंदा है जो कोई इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं तो उसके लिए तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि यहां पे टैक्स कम आएगा बट कोई लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे आपको पता रहेगा पीपीएफ में पैसा डालते हैं मेडिक्लेम में इतना डालते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में इतना डालते हैं हर साल हाउसिंग लोन लेते हैं उसका डिडक्शन लेते हैं तो जो लोग डिडक्शन वाले हैं जो एग्जेम्पन वाले हैं उनके लिए वो जो नॉर्मल प्रोविजन है इनकम टैक्स के वो ज्यादा बेनिफिशियल है अब है ना लास्ट ईयर तक कैसा था कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम एक होता है डिफॉल्ट डिफॉल्ट किसको बोलते डिफॉल्ट डिफॉल्ट किसको बोलते डिफ़ॉल्ट मतलब ऐसे डिफॉल्ट करना वो नहीं आपने कभी मोबाइल में डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग किया बाए दिफौल्ट, बाए दिफौल्ट का मतलब क्या होता है बाय डिफॉल्ट का मतलब बाई प्रीसेट ये है से बाहर जाना है तो आप जा सकते हो वही हुआ प्रीसेट लास्ट ईयर तक क्या था कि डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम जो थी बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम वो नॉर्मल वाली थी कि ढाई लाख तक टैक्स मत भरो लाख से पांच लाख पांच परसेंट पांच लाख से दस लाख जो है वो बीस परसेंट दस लाख के ऊपर तीस परसेंट और अगर उससे बाहर आना है और आपको ये लेना है इस रेट से टैक्स भरना है तो ये टैक्स भरना है तो इसको बोला जाता था ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम कि रिजिमनेटिव है अगर आपको नॉर्मल में नहीं जाना तो आप इसमें आ जाइए तो एक फॉर्म भरना पड़ता था कि हमको वो नॉर्मल ढाई लाख वाले में नहीं जाना है करके ठीक है हमको इसमें आना है इस बार से इन्होंने क्या लिखा है पता है कि बाय डिफॉल्ट यही रहेगा बाय डिफॉल्ट आपका यह है बट अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल रेट से टैक्स भर सकते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बार जब आप रिटर्न फाइल करने जाओगे ना अगले साल तो जाओगे तो बायो यह तीन लाख से छह परसेंट छह से नौ लाख दस परसेंट नौ लाख से बारह परसेंट से ऊपर तीस परसेंट यह है बट अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल वाले में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो या नहीं काम करिए अगर आपके पास में आधा पेज है तो उसी पेज को आधे पेज को छोड़ दीजिए और अगले पेज पर पे लिख लीजिए बट अगर आधे से ज्यादा पेज है तो उसी पेज पर पे आप लिखेंगे हेडिंग दे दीजिए सेक्शन 115 वन फाइव बी ए सी सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी और वन वन फाइव बी ए सी में लिखिए जैसा मैं लिखवाता हूं वैसे हेडिंग दीजिए डिफॉल्ट टैक्स रिजिम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉर इंडिविजुअल एच यू एफ एओ पी बीओ आई एंड आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन तो आपने लिखा डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉर इंडिविजुअल स्लैश एच यू एफ स्लैश ए पी स्लैश बी ओ आई स्लैश आर्टिफिशियलिकल जुडिडिकल पर्सन लिखिए लिखिए इनकेस ऑफ इंडिविजुअल इनकेस ऑफ इंडिविजुअल एच यू एफ एपी बी ओ आई आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन

इन केस ऑफ इंडिविजुअल एच एर्टिफिशियल जोरिटिकल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव टैक्स रेट्स आर और नेक्स्ट लाइन में लिखिए टोटल इनकम अप टू थ्री लाख तक है तो आप पे कोई टैक्स रेट नहीं लगेगा टोटल इनकम मोर देन थ्री लाख अप टू सिक्स लाख आप पे फाइव परसेंट टैक्स लगेगा मोर देन सिक्स लाख अप टू नाइन लाख आपको टेन परसेंट से टैक्स लगेगा मोर देन नाइन लाख अप टू ट्वेल्व लाख आपको फिफ्टीन परसेंट से टैक्स लगेगा मोर देन टेल्व लाख अप टू फिफ्टीन लाख आपको ट्वेंटी परसेंट से टैक्स लगेगा एंड मोर देन फिफ्टीन लाख आपको थर्टी परसेंट से टैक्स लगेगा एंड इस केस में ये थ्री लैख जो है इसको बोला जाएगा बेसिक एग्जामिशन बेसिक एग्जामिशन थ्री लैख के पास में लिख लीजिए बेसिक एग्जामिशन थ्री लैक है यह आपका बेसिक एग्जामिशन इसके नीचे हेडिंग देखिए लिखिए नोट लिख लीजिए एक यहां इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन केस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन बेसिक एक्समिशन ऑफ रुपेस थ्री लैक ओनली एप्लीकेबल बेसिक एग्जामिशन ऑफ रुपेस थ्री लैक ओनली एप्लीकेबल उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखिए सरचार्ज सरचार्ज और सरचार्ज डिपेंड करेगा टोटल इनकम पे टोटल इनकम है अप टू फिफ्टी लैख है तो सरचार्ज रेट ऑन टैक्स सरचार्ज का रेट टैक्स पे लगता कुछ नहीं लगेगा टोटल इनकम मोर देन फिफ्टी लैख है अप टू वन करोड़ है तो आपका सरचार्ज का रेट है वो लगेगा टेन परसेंट मोर देन वन करोड़ अप टू टू करोड़ है टू करोड़ है तो लगेगा पंद्रह परसेंट और मोर देन टू करोड़ आपकी टोटल इनकम है तो सरचार्ज लगेगा पच्चीस परसेंट तो सरचार्ज लगेगा पच्चीस परसेंट यहां पर रेड कलर से एक नोट लिख लीजिए सरचार्ज ऑफ थर्टी सेवन परसेंट नॉट एप्लीकेबल सरचार्ज ऑफ थर्टी सेवन परसेंट नॉट एप्लीकेबल सरचार्ज ऑफ थर्टी सेवन परसेंट नॉट एप्लीकेबल उसके बाद एक और लिखिए हेल्थ एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल ऑन टैक्सेस प्लस सरचार्ज टैक्सेस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल मीन सरचार्ज तभी जोड़ना है जब एप्लीकेबल हो अब एक बात समझना ये जो टैक्स रेट आपको बताई इंडिविजुअल एच एफ एओपी बी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में है तो क्या यह रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए यही वाली टैक्स रेट रहेगी आंसर इज यस तो लिख लीजिए एक नोट अबोव टैक्स रेट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट as well as non resident assessee above tax rate is applicable above tax rate is applicable in case of resident as well as non resident assessee हाँ? है राइट डन लिख लिया अब बेटा अगर आप इस रेट से टैक्स भरते हो इस रेट से तो 87 ए जो था वो नॉर्मली 87 ए कितनी इनकम थी तब मिलता था पांच लाख और कितना मिलता था बारह हजार पांच सौ तक और मार्जिन रिलीफ नहीं मिलता था यहां पे चेंज किया गया क्या अगर आप ये रेट से टैक्स भरते हो तो आपको एटी सेवन ए मिलेगा आपकी सात लाख तक की इनकम है तब तक एंड भैया आपको पच्चीस हजार रुपए तक का रिबेट मिलेगा अपन एक काम करते हैं लिखते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे तो एक लाइन छोड़ के लिखिए यहां पे, रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए और इसमें लिखिए If assess follow section one one five BAC, if assess follow section one one five BAC, then rebate under section eighty seven A is as follow. फॉलो सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी देन रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए इज आट कितना मिलेगा तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए इनकेस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल पहली चीज यह सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू रुपीज सेवन लैख हैविंग टोटल इनकम अप टू रुपीज सेवन लैख अप टू रुपीज सेवन लैख तो रिबेट का अमाउंट होगा इज इक्वल टू टैक्स अमाउंट और Twenty five thousand, whichever is lower. Then the rebate amount is a tax amount or twenty five thousand, whichever is lower. Chaliye. If assessee follow section one one five BAC.

टोटल इनकम ऑफ़ रुपए सिक्स लैख नाइंटी थाउजेंड एंड एंड टैक्सेस एस पर सेक्शन वन बी एस सी ये एस एस सी चाहता है वो वन वन फाइव बी एस सी के हिसाब से टैक्स भरे सार्थक हैविंग टोटल इनकम ऑफ सिक्स लैख नाइन थाउजेंड एंड पेड टैक्से बी एस सी और, और सार्थक मान लो यहां पर रेजिडेंट है रेजिडेंट कहीं ब्रैकेट में लिख लो आप इसका टैक्स कैलकुलेट करो टैक्स कैलकुलेट करते टाइम मैं बोलू अप टू थ्री लैख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि नई टैक्सेशन रिज्यूम ले रहा है ये वन वन फाइव बी ले रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा थ्री लैख लेक से लेके थ्री लैख लेक से लेके सिक्स लैख लेक तक कितना परसेंट पांच परसंट? कितना आता है पंद्रह लगेगा और सिक्स लेख ,00 से लेके और अपू सिक्स लैख नाइन्टी थाउजेंड कितना लगेगा टेन परसेंट कितना आता है नौ हजार तो, तो टोटल टैक्स कितना आ गया चौबीस हजार हाँ भाई टोटल टैक्स कितना आ गया चौबीस हजार अब मुझे एक बात बताओ क्या यहां पे रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा मिलेगा रिबेट क्यों मिलेगा क्योंकि आपको क्या बोला है रिबेट मिलेगा रेजिडेंट इंडिविजुअल के के केस में टोटल इनकम टू सेवन लाख ,00 है तो ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है और इसका टोटल इनकम छह लाख नब्बे हजार है तो छह लाख नब्बे हजार है तो आपको ये रिबेट मिलेगा तो माइनस करोगे रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए का रिबेट कितना मिलेगा जो भी आपका टैक्स अमाउंट है और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विथ लोअर तो टैक्स अमाउंट है ट्वेंटी फोर थाउजेंड और आपका 25,000 लोअर कम्स टू 24,000 तो ऐसे कुछ भी टैक्स नहीं आता है तो जो आप बोल रहे थे ना आपने बजट में सुना था कि लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा ये इस स्कीम में नहीं लगेगा आप अगर 115 BAC लेते हो तो सात लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता क्योंकि आप समझिए अगर यहां पे छह लाख नब्बे की जगह सात लाख भी होता तो यहां पे कितना आता सात लाख आता और दस परसेंट यहाँ कितना आता दस हजार आता तो यहाँ पच्चीस हजार आता और पच्चीस हजार का क्या मिल जाता रिबेट तो कोई भी टैक्स नहीं लगता तो जो बजट में आपने सुना था वो सही ही सुना था बट वो ऐसा जनरलाइज नहीं है वो सिर्फ ये होगा जब ये वाला स्कीम लगेगा और अगर एस एस सी ये लेना चाहता है ये लेगा नॉर्मल लेना चाहता है नॉर्मल लेगा अगर एस एस सी ये चाहता है इसके साथ जाएगा नॉर्मल चाहता है नॉर्मल के साथ जाएगा बट ये चाहेगा तो उसको बहुत सारे डिडक्शन एग्जन सरेंडर करने पड़ेंगे अब वो क्या क्या सरेंडर करने पड़ेंगे क्या क्या बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे लेकिन एक बात बताओ आपको अगर याद रहेगा तो मैं जब एटी ए उधर पढ़ाया था तो मैंने आपको 87A में ये बताया था कि यहाँ पे आपको क्या मार्जिनल रिलीफ था क्या नहीं था हाँ उधर उधर इधर देखो एक एस था जिसका नाम था दिव्या और दिव्या की एज 22 इयर्स थी और उसकी टोटल इनकम फाइव लैख थ्री थाउजेंड थी, थी।

अगर आपकी इनकम है वो सात लाख से थोड़ी बहुत ज्यादा है और आप ये वाले प्रोविजन से टैक्स भरते हो तो यहां पर मार्जिनल रिलीफ मिलेगा अब कैसे मिलेगा क्या मिलेगा तो आप एक काम करिए पहले लिख लीजिए फिर अपन एग्जाम्पल लेंगे तो लिखिए पहले एक बार आप लिखिए फिर मैं आपके डाउट लेता हूं और एग्जाम्पल करते हैं है। हेडिंग दे दीजिए मार्जिनल रिलीफ यहीं पे फ्रॉम मार्जिनल रिलीफ सिर्फ इतना लिखिए मार्जिनल रिलीफ और इसमें लिखिए इफ टोटल इनकम इफ टोटल इनकम इज मोर देन सेवन लाख इफ टोटल इनकम इज मोर देन सेवन लाख बट डज नॉट एक्सीड बट डज नॉट एक्सीड Rupees 7 lakh twenty-seven thousand and seven seventy. If total income is more than seven lakh, but does not exceed seven lakh twenty-seven thousand and seven seventy, then tax on such income. Tax on such income cannot exceed cannot exceed the amount by which the amount by which the total income exceed tax on such income cannot exceed the amount by which the total income exceed total income exceed रुपीज सेवन लाख, रुपीज सेवन लाख, रुपीज सेवन लाख, डन डन अब एक काम करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं मान लो एक बंदा है सब लोग इधर ध्यान देना एक बंदा है जिसका नाम लेते हैं मिस्टर हरी रेजिडेंट इंडिविजुअल अब एक बात बताओ मिस्टर हरी रेजिडेंट इंडिविजुअल और इस बंदे का जो इनकम है वो मान लो टोटल इनकम सेवन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड है अब मुझे बताओ सेवन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड है और ये वन वन फाइव बी ले रहा है तो टैक्स कैसे निकालो मेरे साथ साथ में निकालो यहां पे टैक्स अब हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अप टू थ्री लैख डैश पे डैश हाँ भाई थ्री लैख पे कोई टैक्स नहीं आएगा थ्री लैख से लेके सिक्स तक कितना पांच परसेंट कितना होता है पंद्रह हजार एंड बाबू सिक्स लेख से लेके इसमें कितना है सेवन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड कितना होता है दस परसेंट बारह हजार सात सौ तो टोटल कितना हुआ ट्वेंटी सेवन अब आप मुझे ये बोलोगे कि सर यहां तो रिबेट मिलेगा ही नहीं क्योंकि इनकम जो है वो आपका सेवन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड है बट गाइज यहां पे आपका मार्जिनल रिलीफ करके जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट लगेगा अब यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ जो है वो मार्जिन रिलीफ करके कॉन्सेप्ट लगेगा मीनस देखिए यहां पे रिबेट तो नहीं मिलेगा यहां पे भैया आपका जो रिबेट है वो रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए है वो तो आपको नहीं मिलेगा बट यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा पता है यहां पे आपको निकालना पड़ेगा दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दैट इज टैक्स ऑन सेवन लैख अगर सेवन लैख की इनकम होती तो तुम्हारा टैक्स कितना आता और सेवन लैख के ऊपर वाला जो है वो एज इट इज आप निर्मला सीतारमन जी को दे दीजिए तो नेट टैक्सेबल इनकम माइनस सेवन लाख मुझे बताइए अगर आपकी सेवन जो इनकम होती तो उस पर टैक्स कितना आता आता हाँ भाई तो सेवन लाख के ऊपर आपने कितना कमाया है सत्ताईस हजार कमाया है तो सत्ताईस हजार आप निर्मला सीतारमन जी को दे दीजिए तो आपका यहां पर विच एवर इज लोअर है वो आपका कंटिन्यू होगा और लोअर आपका कंटिन्यू होगा मीन्स यहां पे आपको सत्ताईस हजार है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा और एड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट फोर परसेंट तो फोर परसेंट का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एड करके कितना आ गया वन जीरो एट जीरो देखो इसमें क्या किया मैंने देखो अगर सात लाख से थोड़ी बहुत इनकम ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा रिबेट एटी सेवन ए तो नहीं मिलेगा एटी सेवन ए का रिबेट तब मिलता है जब आपकी इनकम लाख की होती लेकिन सात लाख से सर यहां पे तो थोड़ी बहुत ज्यादा है तो कोई बात नहीं अब थोड़ी बहुत ज्यादा होने से भी हो क्या रहा है ना यहां पे थोड़ी बहुत ज्यादा होने से रिबेट तो आपको मिल नहीं रहा है बट उसकी वजह से आपका टैक्स आ रहा है वो सत्ताईस भाई सत्ताईस हजार इनकम बढ़ी और टैक्स आ रहा है सत्ताईस हजार सात सौ करके ठीक है तो इन्होंने बोला एक काम करो सत्ताईस हजार जो इनकम है ना वो एज इट इज निर्मला सीतारमन जी को दे दो तो हमने सत्ताईस हजार है वो निर्मला सीतारमन जी को दे दिया और बाकी जो है उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन से कर दिया चलो एक और तो टैक्स कितना बताइए मुझे सेवन लैख फाइव थाउजेंड होती तो सेवन लैख फाइव थाउजेंड होती तो, तो टैक्स कितना आता पहले तीन लाख ,00 तक कोई टैक्स नहीं आता उसके बाद पंद्रह हजार आता और सात लाख तक कितना आता कितना था? दस हजार दस हजार पांच सौ आता टोटल कितना हुआ पच्चीस हजार पांच सौ अब एक बात बताओ यहां पे समझने की कोशिश करो क्या रिबेट एटी सेवन का मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि रिबेट एटी सेवन का तभी मिलता है जब ये आपका जो है यह आपका सात लाख तक ही है यहां पे ये सात लाख से ज्यादा है लेकिन यार यहां पे तो ये पांच हजार ही तो ज्यादा है और उसकी वजह से आपका टैक्स कितना आ रहा है पच्चीस हजार पांच सौ तो निर्मला सीतारमन जी आपसे कितना लेगी पांच हजार कितना लेगी पांच हजार आप ले लेगी तो अपना जो फॉर्मेट था वो ही फॉलो करने का कि अगर आपकी इनकम जो है वो सात लाख की होती तो कितना मिल जाता सात लाख के ऊपर कितनी इनकम है पांच हजार तो पांच हजार इनकम जो है ये तुम्हारा पच्चीस हजार पांच सौ आया था और अब ये आया पांच हजार आप विच इज लोअर कंटिन्यू कर दीजिए और पांच हजार जो है वो आप निर्मला सीतारमन जी को दे दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसमें ऐड कर दीजिए तो ये तुम्हारा पच्चीस हजार पांच सौ सात लाख तक की इनकम होती तो कोई टैक्स नहीं लगता सात लाख के ऊपर जो है वो आपकी पांच इनकम है तो आप एक काम करिए विच इज लोअर कर दीजिए तो यहां पे पांच आप निर्मला सीतारमन जी को दे दीजिए उस पर चार कितना होता है टू हाँ? हंड्रेड तो पांच हजार दो सौ है वो आप निर्मला सीतारामन जी को दे दीजिए अब एक और चीज समझना अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं इधर इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो मेरे मेरे सब हूँ यहाँ सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड आपका इनकम होता अगर सेवन लैख्टी थाउजेंड होता तो तीन लाख की स्लैब रेट से टैक्स कितना आता मुझे बताइए पहले वाले में पंद्रह हजार हाँ दूसरे वाले में दूसरे वाले में कितना कितने लाख से कितने से कितने तक छह लाख से सात लाख पचास हजार उस पर दस परसेंट कितना पंद्रह हजार तो मैं बोलू आपका टैक्स कितना आता तीस हजार आता रिबेट तो नहीं मिलता अब एक बात बताओ अगर आपकी इनकम जो है सात लाख ही होती तो टैक्स लगता कि नहीं लगता नहीं लगता कितना ज्यादा कमाया पचास हजार निर्मला तो आपका जो है वो तीस हजार बेनिफिशियल है या पचास हजार ज्यादा बेनिफिशियल तीस हजार ना आप तीस हजार दो ना क्यों पचास हजार दे रहे तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा तो आप वापस यहां चेक कर सकते हैं कि आपकी इनकम जो है वो सात लाख होती तो टैक्स कितना आता निल बट सात लाख के ऊपर कितना इनकम है पचास हजार तो आप पचास हजार निर्मला सीतारमन जी को दे दो तो पचास तो हजार उनको दोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है कि ज्यादा बेनिफिशियल है तीस हजार, तो आप एक काम करिए यहां और लोअर कम्स टू आपका तीस हजार आ गया इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है चार परसेंट कितना आ जाएगा बारह सौ रुपए आप एड कर दीजिए आपका इकतीस है वो नेट टैक्स पेबल आएगा तो मैंने क्या किया यहां पे एक अमाउंट ही आपको लिख के दे दिया क्या हमेशा ध्यान रखना अगर ये टैक्सेशन रिजीम ये वाला लगता है ये वाली स्लैब रेट लगती है तो आपको ध्यान रखने का कि इनकम सात लाख से ज्यादा है और सात लाख सत्ताईस हजार सात सौ सत्तर रुपए तक है तो आपको मार्जिनल रिलीफ चेक करना है अदरवाइज यहां चेक करने की जरूरत नहीं अगर सात लाख सत्ताईस हजार सात सौ सत्तर से ज्यादा है तो चेक करने की जरूरत नहीं सात लाख सत्ताईस हजार सात सौ सत्तर तक है तो चेक करने की जरूरत है अदरवाइज जरूरत है नहीं जैसे यहाँ पे सात लाख सत्ताईस हजार था यहाँ पे सात लाख पांच हजार था तो यहाँ पे दोनों जगह मार्जिनल रिलीफ आया बट यह सात लाख सत्ताईस हजार सात सौ सत्तर से ज्यादा है तो यहाँ पे कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा इसको कॉपी करो ये अपन बाद में वापस एक बार पढ़ेंगे आज नहीं थोड़े दिनों के बाद में जब ये वापस में वन वन फाइव बी एस सी पे लेके आऊंगा तब अपन पढ़ेंगे इसको एज इट इज आप अपनी बुक में कॉपी कर लो बस इस टॉपिक से अपन बाहर निकलेंगे अब इसको एज इट इज आप अपनी बुक में कॉपी कर दो हाँ मार्जिनल रिलीफ में मैंने आपको पहले बताया था सिर्फ सरचार्ज लगता है वहीं लगती है बट इसमें लगता है सात वाले में हाँ

किसी बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा क्या सर विजय माल्या यहां से चला गया पैसा खा के यू यूके में है रोज ट्विटर पे पोस्ट भी करता है फोटोज भी डालता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वगैरह हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं पकड़ पाती उसको हाँ क्यों नहीं पकड़ पाती क्योंकि यूके वाले उनका वेलकम करते हैं यूके वाले बोलते हैं कि भाई हमने इंडिया पे इतना राज किया इंडिया से हम कोइनूर लेके आए तुम हमारे ही तो घर वाले हो कि तुम भी लेके आए हो ठीक है तो यहाँ बैठ जाओ तो उनको बुला लेती है मतलब देर इज नो ट्रीटी बिटवीन यूके एंड इंडिया जिसमें वहां से किसी बंदे को उठा के लाया जाए वो ट्रीटी इंडिया के और यूके की नहीं है ऐसा है अगर यूके के एक लॉ में उसने कोई फ्रॉड नहीं किया तो वहां अगर कोई बंदा रह रहा है और उसको वहां की सिटीजनशिप उन्होंने दे दी उसने पैसे से मिलती है वहां पे तो फिर इंडिया वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये दिक्कत है बट जिन कंट्रीज के साथ अपना ऐसा अरेंजमेंट है कि भाई वहां जाके हम उठा के लेके आ सकते हैं तो वहां पे फिर लेके आते हैं इसके लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है मतलब वो तभी लॉ बन सकता है जब दोनों कंट्री आपस में मिलके बैठ के बात करे कि चलो हम ऐसा कुछ करते हैं तो लॉ बन सकता है अदरवाइज नहीं बन सकता हाँ 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 हाँ, हाँ, हाँ फंड में जमा करता तो भी इसमें एग्जेम्शन डिडक्शन नहीं मिलती इस वाले में अगर वैसे उसमें फाइव थाउजेंड किसी फंड में जमा कर देता तो भी इसमें कुछ एग्जेपन डिडक्शन नहीं मिलती इसमें जो इनकम है सीधा टैक्सेबल होता है करके ठीक है एक नोट लिखो एक लाइन छोड़ के एक लाइन छोड़ के एक नोट लिखो सेक्शन वन वन फाइव बी सी is a default taxation regime section 115bac is a default taxation regime section 115bac is a default taxation regime from assessment year 2425 from assessment year 2425 if assessee wish to if assessee wish to opt out from this regime if assessee wish to opt out from this regime then he can do so then he can do so then he can do so ha huh, he can do so एंड पेड टैक्सेस एज पर पेड टैक्सेस एज पर नॉर्मल टैक्स रेट पेड टैक्सेस एज पर नॉर्मल टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स रेट नाउ नॉर्मल टैक्स रेट कौन सी वाली वो वाली ढाई लाख तक कोई टैक्स नहीं ढाई लाख से पांच लाख पांच परसेंट एंड ऑल करके ठीक है नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए सी पे टैक्स एज पर वन वन फाइव बी एस सी इफ एस पे टैक्स एज पर फाइव बी एस सी देरियस बेनिफिट ऑफ देन वेरियस बेनिफिट ऑफ एग्जेमशन दैन वेरियस बेनिफिट ऑफ एग्जेब एंड डिडक्शंस देन वेरियस बेनिफिट ऑफ एग्जेम्शन एंड डिडक्शंस आर नॉट अवेलेबल टू एस एस सी वेरियस बेनिफिट ऑफ एग्जेम्शन एंड डिडक्शन आर नॉट अवेलेबल टू एस एस सी डन अब आप यहां पे दो साइड छोड़ दीजिए दो पेज दो साइड मतलब साइड मतलब ऐसा ऐसा एक पेज क्या बोला मैंने ऐसा ऐसा एक पेज मतलब दो साइड ऐसा ऐसा एक पेज अरे ऐसा ऐसा एक पेज ना ऐसा ही तो मैं बोला ऐसा ऐसा एक पेज सही तो बोला मैं हाँ भाई मैं बोला यार सर कहाँ से आए हो आप ऐसे ऐसा ऐसा कौन बोलता है ऐसा ऐसा एक पेज तो ऐसा ऐसा एक पेज ना हाँ तो आपको दो पेज छोड़ने हैं अब ये दो पेज क्यों छुड़वाए मैंने क्योंकि मैं जैसे जैसे आपको हेड पढ़ाते जाऊंगा ना वहां पे मैं बताते जाऊंगा कि कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलते अगर आप ये सेक्शन का बेनिफिट लेते हो तो मतलब इस रेट से टैक्स भरते हो वन वन से तो आपको क्या क्या नहीं बेनिफिट मिलता वो हम एक एक एक-एक हेड जब पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाते जाऊंगा तो ये दो पेज अपन क्या करेंगे स्लोली स्लोली भरेंगे हर हेड बढ़ाते टाइम मैं बताऊंगा कि ये बेनिफिट नहीं मिलता इसमें तो क्या क्या बेनिफिट नहीं मिलता वो अपन देखेंगे चलिए अब आप एक काम करिए सीधा ये आपने दो ऐसे वाले दो पेज छोड़ दिए एसे ऐसे वाला एक पेज मतलब दो साइड ये छोड़ दिया अब आप एक काम करो नए पेज पे हेडिंग दे दीजिए नए पेज पे हैडिंग दे दीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नए पेज पे हैडिंग दे दीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और ये टॉपिक आपके एग्जाम में फाइव से लेके और सेवन मार्क्स कवर करेगा यह टॉपिक आपके एग्जाम में फाइव से लेके और सेवन मार्क कवर करेगा क्या हुआ हा पिछला टॉपिक कितने मार्क्स अप्रोक्स पांच छह मार्क्स पहला टॉपिक है वो पांच छह मार्क बेसिक वाला अब अपन एक एक, एक हेड पढ़ना चालू करेंगे तो जैसा कि एक बात बताऊं अपन ने पहले लेक्चर में पहले दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले किसी की इनकम निकालने वाले हैं और उस उसपे हम क्या निकालने वाले हैं टैक्स तो टैक्स कैसे निकालते हैं वो तो सीख गए अपन इतने दिन में अब हम निकालेंगे कि इनकम कैसे निकालते हैं तो जैसा कि आपको पता है यहां पे पांच हेड होते हैं एक सैलरी एक हाउस प्रॉपर्टी एक बिजनेस एक कैपिटल गेन एक अदर सोर्सेज तो हम ये एक एक एक, -एक हेड है वो हम पढ़ना चालू करेंगे और आज अपन सबसे पहला हेड पढ़ रहे हैं दैट इज हाउस प्रॉपर्टी अब एक बात समझना आपको पता रहेगा हमने आपको ये पांच घर बताए थे और जैसे ही यहाँ पे आप दरवाजे के पास जाते थे दरवाजा क्या करते थे नॉक करते थे और अंदर से एक क्या आती थी आवाज और आवाज आती थी और आवाज आपसे ये पूछती थी कि ये इनकम कहाँ से आई है तो ये इनकम अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप से आई है तो सैलरी हेड में जाएगी अगर ये हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है और आप उसके ओनर हो तो ये यहां पे जाएगी अगर बिजनेस प्रोफेशन की है तो यहां पे जाएगी तो आज हम चालू कर रहे हैं ये वाला घर क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपकी इनकम है वो कब आती है तो चलिए आपका ध्यान इधर होना चाहिए कुछ टाइम के लिए आपका ध्यान जो है वो इधर होना चाहिए तो सर एक बात बताइए हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमारी इनकम कब आएगी तो यहां पे एक चार्जिंग सेक्शन होती है और उस चार्जिंग सेक्शन का नंबर हुआ करता है दैट इज सेक्शन 22 सेक्शन 22 ये बोलती है कि कभी भी आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में तब आएगी जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए सबसे पहली कंडीशन तो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए और दूसरा आप उसके ओनर होने चाहिए तो अगर हाउस प्रॉपर्टी है एंड आप उसके ओनर है तो आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे किसको सर हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे आपको क्या लगता है हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते होंगे क्या सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही हाउस प्रॉपर्टी में आएगी या कमर्शियल भी आ जाएगी तो हाउस प्रॉपर्टी को ये लोग ऐसे डिफाइन करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग आपका हाउस प्रॉपर्टी है वो बिल्डिंग भले कमर्शियल बिल्डिंग हो वो बिल्डिंग भले रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो कोई भी बिल्डिंग हो अगर कोई बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी है लेकिन सर एक बात बताओ बिल्डिंग के साथ में जो जमीन जुड़ी हुई रहती है क्योंकि बिल्डिंग अगर बनी होगी तो वो लैंड पे बनी होगी तो लैंड में भी बहुत बार गार्डन छोड़ा हुआ है बहुत बार पार्किंग का स्पेस छोड़ा हुआ है तो सर गार्डन छोड़ा हुआ है पार्किंग का स्पेस छोड़ा हुआ है इस पूरे को एक साथ में भाड़े पे दे दिया तो आप बताइए भाड़ा हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा या फिर लैंड के भाड़े को अलग करना पड़ेगा बिल्डिंग के भाड़े को अलग करना पड़ेगा क्या अलग करना पड़ेगा या पूरा ही हाउस प्रॉपर्टी में लेना है राइट आंसर इस पूरा हाउस प्रॉपर्टी में ही लेना है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है बिल्डिंग एंड लैंड अपर टू दैट बिल्डिंग लैंड अपर टू दैट बिल्डिंग का मतलब होता है लैंड अटैच टू दैट बिल्डिंग जो बिल्डिंग से अटैच वाली जो लैंड है वो लैंड जो है वो भी भैया आपके बिल्डिंग का ही पार्ट माना जाएगा और इस पूरे को हाउस प्रॉपर्टी बोला जाएगा और अगर ये हाउस प्रॉपर्टी है तो आपकी इनकम जो है वो इस पर्टिकुलर हेड में आएगी तो पहला सेक्शन 22 का पहला पॉइंट बोलता है कि पहली चीज आपका हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए और हाउस प्रॉपर्टी का मतलब आपकी बिल्डिंग होना चाहिए तो बिल्डिंग है तो आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी दूसरी चीज आप उसके ओनर होने चाहिए अगर ओनर हो और ओनर को कोई भी बिल्डिंग से इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगी तो ही हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं मान लो ये जो एक घर है और यह जो घर है इस घर का ओनर है मिस्टर बीबी मैंने क्या किया यही वाला घर है यह मैंने भाड़े पे दे दिया सार्थक को ये मैंने सार्थक को भाड़े पे दे दिया इसको मैंने रेंट पे दे दिया तो मैं इसका ओनर हूं और सार्थक जो है इसका टेनेंट है मैं इसका ओनर हूं और सार्थक इसका टेनेंट है सार्थक जो जो मुझे भाड़ा देगा वो भाड़ा मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा बिकॉज अगर आप बिल्डिंग के ओनर हो और बिल्डिंग से आपको कोई भी भाड़ा मिलता है रेंट मिलता है तो वो रेंट आपके लिए कहां जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा ये मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा? लेकिन सार्थक जो है, वो तो बड़ा चालाक बंदा निकला उसने क्या किया यही वाला घर है ये किसी और को सबलेट कर दिया सबलेट का मतलब होता है वापस आगे भाड़े पे दे दिया मेरे से भाड़े पे ले लिया आगे भाड़े पे दे दिया अब मेरे से भाड़े पे लेके और इसने इसको आगे भाड़े पे दे दिया किसी हरी करके बंदे को अब हरी जो है वो सार्थक को जो रेंट देगा ना वो रेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगा ये जो रेंट है ये या तो जाएगा पीजीबीपी हेड में बिजनेस हेड में या जाएगा आईएफओएस के हेड में पीजीबीपी हेड में जाएगा या अदर सोर्सेज में जाएगा ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में तभी जाएगा जब आप असट के ओनर होने चाहिए अगर यहां पे आपका हाउस प्रॉपर्टी है आप उसके ओनर हो और टेनेंट से आपको रेंट मिल रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा बट अगर मान लो टेनेंट ने आगे वापस किसी को भाड़े पे दे दिया और उसका जो भाड़ा मिल रहा है टेनेंट ने वापस किसी को भाड़े पे दे दिया उसका जो भाड़ा मिल रहा है वो उसके बिजनेस में जाएगा या आया में जाएगा जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं पुणे में जहां पे रह रहा हूं वो जो घर है वो घर हुआ क्या जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं एक बंदा है जिसका नाम है रवि ये रवि का एक घर है रवि जो है वो ओनर है अब रवि जो है वो ओनर है और रवि ने क्या किया ये घर का ओनर है और रवि ने ये पुणे का जो घर है मैं पुणे में हूं दो ढाई महीने तो रवि ने क्या किया ये वाला घर बीबी सर को भाड़े पे दे दिया मिस्टर बीबी ये मेरे को इसने भाड़े पे दे दिया मैं इसको जो है वो रेंट दे रहा हूं रवि ओनर है इसके हाथ में वो रेंट कौन से हेड में जाएगा हाउस प्रॉपर्टी कहां जाएगा हाउस प्रॉपर्टी बट बहुत बार आजकल आपको पता है कि लोग क्या करते हैं लोग क्या करते हैं कि लोग जो है वो घर मेरे को भाड़े पे नहीं दे रहा रवि रवि ओनर है रवि ने ये घर जो है एक कंपनी को भाड़े पे दे दिया जिसका नाम है एयर बी एन बी करके आपने नाम सुना एयर बी एन बी करके एयर बी एनबी नाम सुना एयर बी एनबी जैसा तो ये लोग क्या करते हैं रवि क्या करता है इस भाड़े को ये जो घर है ये मुझे भाड़े पे नहीं देता है ये भाड़े पे दे देता है किसी कंपनी को या किसी बंदे को जो वो आगे जाके बाद में आगे और भाड़े पे चढ़ाते हैं तो रवि ने क्या किया मान लो ये वाला घर जो भाड़े पे दिया वो एयर बी एनबी को दिया और एयर बी एन बी जो है वो उसने ये भाड़े पे दे दिया बीबी सर को अब मुझे एक बात बताओ बीबी सर जो भाड़ा देंगे एयरबीएनबी को वो रेंट एयरबीएनबी के हाथ में कौन से टैक्स में टैक्स पीजीबीपी या फिर आईएफओएस और एयरबीएनबी जो भाड़ा देगी रवि को वो कहां जाएगा हाउस प्रॉपर्टी वो कहां जाएगा हाउस प्रॉफर्ट <laughs> तो भैया बड़ा सिंपल है क्या आपके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी में रेंट तभी आएगा जब आप उसके ओनर हो यहां पे एयरबीएनबी को जो भाड़ा मिल रहा है एयरबीएनबी ओनर नहीं है तो एयरबीएनबी को जो रेंट मिल रहा है वो पीजीबीपी में जाएगा या फिर आईएफओएस में जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा चलिए एक काम करिए लिखिए सबसे पहले सेक्शन 22 हेडिंग दीजिए सेक्शन 22 और सेक्शन 22 में लिखिए चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी उसमें लिखिए रेंटल इनकम इसमें लिखिए रेंटल इनकम ब्रैकेट में लिखिए एनुअल वैल्यू रेंटल इनकम ब्रैकेट में लिखिए एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम ब्रैकेट में लिखा एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिसफाइड इफ फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिसफाइड पहला कंडीशन लिखिए देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी एंड दूसरा कंडीशन लिखिए असेसी शुड बी शुड बी ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी एंड अससी शुड बी ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी आपने जहां लिखा देअर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी इसके पास में स्टार मार्क करके नेक्स्ट लाइन में लिखिए हाउस प्रॉपर्टी मीन्स नेक्स्ट लाइन में स्टार मार्क करके लिखिए हाउस प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग एंड लैंड अपर टेनेंट लैंड अपर टेनेंट अपर टेनेंट की स्पेलिंग ए पी पी इर टीई टी एन एन टी अपर टेनेंट हाउस प्रॉपर्टी मीन बिल्डिंग एंड लैंड अपर टेनेंट ए ए पी पी ई ई आर टी एन एन टी अपर टेनेंट का मतलब होता है अटैच ब्रैकेट में लिखिए अटैच अटैच अपर टेनेंट टेनेंट मतलब भाड़े पर देना अपर टेनेंट टू अपर टेनेंट का मतलब होता है अटैच ब्रैकेट क्लोज तो आपने लिखा हाउस प्रॉपर्टी मीन बिल्डिंग एंड लैंड अपर टेनेंट टू सच बिल्डिंग अपर टेनेंट टू सच बिल्डिंग इसके नीचे कुछ नोट्स लिखिए नोट नंबर वन नोट लिखिए नोट नंबर वन इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एज वेल एज कमर्शियल प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एज वेल एज कमर्शियल प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एज वेल एज कमर्शियल प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी के ब्रैकेट में लिखिए जैसे शॉप है एस एच पी शॉप कॉमा कॉम्प्लेक्स कॉमा गोडोन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज शॉप कॉम्प्लेक्स कॉमा गोडोन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट तो आपने क्या लिखा कमर्शियल प्रॉपर्टी लिखा कि नहीं लिखा कमर्शियल प्रॉपर्टी लिखा कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑल्सो कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी ऑल्सो कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी ऑल्सो कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी नेक्स्ट लाइन में लिखिए रेंट ऑफ वैकेंट लैंड रेंट ऑफ वैकेंट रेंट ऑफ वैकेंट लैंड एक बात बताओ अगर कोई वैकेंट लैंड पड़ी है वैकेंट लैंड का मतलब होता है प्लॉट पड़ा है एक एक होता है ना कभी कभी प्लॉट पड़ा है ये प्लॉट में लोग शादियां करते हैं आगे ठीक है मंडप बांधते हैं शादियां करते हैं प्लॉट पड़ा है शादी करते हैं सच वाली शादी ठीक है तुम जो सोच रहे हो वो नहीं प्लॉट खाली पड़ा है तो ठीक है भाई ये वेकेंट लैंड आपने किसी को भाड़े पे दे दी और इसका भाड़ा मिला आप मुझे बताइए हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा या नहीं जाएगा आपको क्या लगता है वैकेंट लैंड हाउस प्रॉपर्टी है या नहीं हां कहीं प्लॉट पड़ा है यार बाबू कहीं प्लॉट पड़ा है हा? कहीं प्लॉट पड़ा है प्लॉट पड़ा है रेंट कहां जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा या नहीं जाएगा आपको क्या लगता है हाउस प्रॉपर्टी में इनकम तभी जाता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए वन इज देयर शुड बी अपर्टी एंड एस एस सी शुड बी ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी मुझे बताइए ये एक प्लॉट है इस प्लॉट को देख के आपको लगता है कि यह हाउस प्रॉपर्टी है हाँ ये लगता है यह हाउस प्रॉपर्टी है प्लॉट पड़ा है खाली प्लॉट यार बंजर भूमि खाली प्लॉट लोग वहां शादियां कर रहे हैं ठीक है थीके? और उसका भाड़ा मिल रहा है क्या ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा या नहीं जाएगा राइट आंसर इज इसका जो रेंट है दैट इज टैक्सेबल होगा आइदर पीजीबीपी में या आईएफओएस में हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में तभी जाता जब वहां बिल्डिंग होती बिल्डिंग तो है ही नहीं ऐसे ही प्लॉट पड़ा था लोगों को भाड़े पे दे रहे हो लोग वहां पे शादियां कर रहे हैं मंडप बांध के तो उस पर्टिकुलर केस में यह हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में तभी जाता है जब वहां पे बिल्डिंग है यहां पे बिल्डिंग नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा वो जाएगा आई या बिजनेस में वो देखेंगे अब मुझे एक बात बताओ एक बिल्डर है बिल्डर कोई फेमस बिल्डर का नाम बताओ पुणे का रोहन बिल्डर्स हाँ कौन सा पाटिल कोलते पाटिल कोलते पाटिल ना कोलते पाटिल मैंने सुना उसके वो घर में वो बना हुआ है वो हेलीपैड और वो वाला ही ना अविनाश भोसले हाँ उसके पास तीन हेलीकॉप्टर बोला घर पे ही हेलीकॉप्टर से आता है करके ठीक है भाई साहब रोहन बिल्डर हाँ चलो 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 कोई बात नहीं सब लोग ऑनलाइन वाले तुम इधर देखो एक बिल्डर है जिसका नाम है रोहन बिल्डर रोहन बिल्डर अब एक बात बताओ रोहन बिल्डर के पास एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग जो है ये बिल्डिंग उसने बनाई है सही नहीं बनाएंगे हाँ क्या हुआ सही नहीं लग रही झोपड़ी लग रही है बोलते हैं ये बिल्डिंग बनाई है और यह बिल्डिंग उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हुआ बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या होती है अब एक बात बताओ रोहन बिल्डर बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड इसने अगर यह बिल्डिंग बेच दी क्या कर दी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग अगर बेच दी इस बिल्डिंग और उस पे कोई प्रॉफिट हुआ आप मुझे बताइए कौन से हेड में जाएगा ये अगर बिल्डिंग है बिल्डर है बिल्डर के लिए स्टॉक है बिल्डिंग बेच दी कौन से हेड में जाएगा पीजीबीपी या हाउस प्रॉपर्टी पीजी अरे बेचा ना उसका बिजनेस ही तो ये है तो ये आपके लिए टैक्सेबल कहां होगा अंडर पीजीबीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन बट मान लो कोई ग्राहक आ नहीं रहा था तो जो ग्राहक आ नहीं रहा था उसने उसको थोड़े टाइम के लिए भाड़े पे दे दिया अब मुझे बताइए बिल्डर है और इनकम फ्रॉम लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी और वो वाली प्रॉपर्टी जो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है अब मुझे बताइए इनकम कौन से हेड में जाएगी हाउस प्रॉपर्टी या पीजीबीपी -पी? देखो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम तभी जा सकती है जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन एस क्या होना चाहिए उसका हाउस प्रॉपर्टी है कि नहीं है ओनर है कि नहीं है तो ये तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी यहां पे हाउस प्रॉपर्टी भाड़े पे देने का बिजनेस नहीं है बिजनेस तो है बिल्डिंग बना के बेचने का तो बिजनेस अगर बिल्डिंग बना के बेचने का है तो बेचने से जो इनकम होगी वो बिजनेस में जाएगी बट ऐसे ही थोड़े दिन के लिए घर भाड़ा पड़ा था कोई भाड़े पे कोई खरीदने वाला था नहीं तो किसी को भाड़े पे दे दिया तो भाड़े पे देने से जो इनकम होगी वो तुम्हारे लिए कहां पे जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो ध्यान रखना बिल्डर है स्टॉक इन ट्रेड है बेचा तो तो इनकम पीजीबीपी में नहीं बेचा और किसी को भाड़े पे दे दिया तो आपके हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी चलो एक काम करो इसको एज इट इज कॉपी कर दो जैसा बोर्ड पे दिख रहा है एस इट इज कॉपी कर दो अगला पॉइंट लिख के हाँ, या थर्ड जो भी है पॉइंट आपने वो लैंड से तो वैकेंट लैंड के डैश करके लिखो आई एफ ओ एस या पीजीबीपी आई एफ ओ एस या पीजीबीपी वैकेंट लैंड वाले के पास में डैश करके लिखो आई एफ ओ एस या पीजीबीपी और फिर आप ये वाला कॉपी मारो रोहन बिल्डर सेल ऑफ बिल्डिंग ये बोलता है कैपिटल गेन में जाएगा कैपिटल गेन में तब जाता है जब स्टॉक नहीं है वो आएगा बेटा हाँ कैपिटल गेन पढ़ेंगे तब तो आएगा SIT मतलब स्टॉक इन ट्रेड बिल्डिंग इज अ SIT SIT मतलब स्टॉक इन ट्रेड आएगा ना अभी चालू तो करने दे हाँ वेकेंट लैंड है बेचा तो कैपिटल गेन में जाएगा ना भाड़े पे दिया था वहां तो चलो हाँ हाँ बाबू क्या दोनों भाई में झगड़ा हो गया ये इंडिया में ना दोनों भाइयों में झगड़ा मतलब ये कॉमन है ना मतलब हर बच्चे के पापा को अंकल ने धोखा दिया हुआ है है ना यह हर घर की स्टोरी है हाँ भाई बोलो ए चलो बोलो डन अब मेरी तरफ देखो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट चालू करते इधर देखो मेरी तरफ देखो ये टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इधर कुछ लिखना भैया हाँ। एक होता है कुछ लिखना मत टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास घर है पेन मत घुमाओ पेन मत घुमाओ जिंदगी में और कोई घुमाने को मिलेगा नहीं तो पेन मत घुमाओ कम से कम ठीक है हा पुणे आयो क्या सोच के आए थे और घुमा क्या रहे पेन घर से ये सोचा था पुणे जाएंगे वो करेंगे वहां करेंगे एफसी रोड पे जाएंगे उधर जाएंगे एफ सी रोड क्या है ये इतना अश्लील बंदा है ना ये क्या बोलता है एफ सी रोड पे हरियाली है भाई साहब क्या बताऊं मैं आपको मैं ये सब सुनने से पहले कान खराब क्यों नहीं हो गए ठीक है हाँ चलो कोई बात नहीं हाँ, ये वो अविनाश सलील बोलता है साहिल बोलता है कि मेरी मम्मी ने सुन लिया आपके मम्मी मम्मी को नहीं पता चलेगा मतलब मम्मी को लगा लगेगा कोई हरित क्रांति की बात कर रहे होंगे ठीक है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एक बात बताओ देखो हाउस प्रॉपर्टी जो है वो कितने टाइप की हो सकती है मतलब कमर्शियल रेसिडेंशियल नहीं ऐसा नहीं एक होती है तुम्हारी लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है लेट आउट प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे जिसको लेट आउट प्रॉपर्टी जिसको आपने किराए पे दे रखा है एक बात बताओ जब किराए पे जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसका भाड़ा आता होगा कि नहीं आता होगा तो ये जो किराए पे प्रॉपर्टी दे रखी है उसका भाड़ा जो आता होगा वो हमेशा टैक्सेबल है क्या है हमेशा टैक्सेबल बड़ा सिंपल है क्या आपने कोई प्रॉपर्टी है लेट आउट प्रॉपर्टी मीन एलओपी बोलेंगे इसको आज के बाद से एलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी जो आपने किसी को भाड़े पे दे रखी है तो लॉजिकल है ना भाड़े पे दे रखी है तो भाड़ा आता होगा तो भाड़ा आता होगा तो उस इनकम पे टैक्स भरना है सीधी सी बात है दूसरी प्रॉपर्टी होती है दैट इज द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड अब एक बात बताओ आपकी प्रॉपर्टी है और आप ही उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करके बैठे हो मीन आपकी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को आप ही खुद ही सेल्फ ऑक्यूपाइड करके बैठे हो लेकिन आप उस प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो आपकी प्रॉपर्टी है इसको बोलेंगे अपन एसओपी क्या बोलेंगे एसओपी एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी है आप ही उसमें पड़े हो आप ही उसमें रह रहे हो उसमें क्या कर रहे हो तो दो चीजें हो सकती है या तो उसमें कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हो जैसे आपका घर है या आपकी कोई बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में आप ही बिजनेस कर रहे हो आप ही प्रोफेशन कर रहे हो या हो सकता है उसमें रह रहे हो क्या कर रहे हो रह रहे हो पहले अपन बात करते हैं कि अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसमें आप कुछ बिजनेस कर रहे हो मत लिखो उसमें क्या पाप लगेगा हाथ कट जाएंगे इधर देखो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो ठीक अगर कोई प्रॉपर्टी है उसमें आप खुद ही बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हो आप जो है वो खुद बिजनेस अब भाई मेरी प्रॉपर्टी में मैं ही बिजनेस नहीं करूंगा तो क्या करूंगा तो मेरी ओन प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में मैं बिजनेस कर रहा हूं या प्रोफेशन कर रहा हूं तो इसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उस प्रॉपर्टी को आप इग्नोर कर दीजिए क्या कर दीजिए इग्नोर जैसे वो आपको करती है तो आपको उसको क्या करना है इग्नोर करना है क्या करना है इग्नोर अब आप बोलोगे इग्नोर क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक बात बताओ अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड आप की प्रॉपर्टी है आप उसमें बिजनेस कर रहे हो तो वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बिजनेस हेड में कुछ ना कुछ इनकम कमा के दे रही है एग्जाम्पल लेता हूं इधर देखो इधर देखो इधर देखो मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैं मेरी बात करता हूं मिस्टर बीबी ये मेरा पी एंड एल बनेगा बिजनेस का अब मुझे एक एक बात बताओ मेरे पास ये प्रॉपर्टी है जिसमें मेरा स्टूडियो बना हुआ है जिसमें स्टूडियो बना हुआ है मेरी प्रॉपर्टी है तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जो मेरे बिजनेस में यूज हो रही है स्टूडियो बना हुआ है लॉजिकली सोचो अगर मैं ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं होती तो मैं इसको भाड़े पे लेता हां सही बोल रहा हूं कि नहीं भाड़े पे लेता और जब मैं भाड़े पे लेता तो पी एंडल के डेबिट में इधर भाड़ा जाता और भाड़ा जाता तो मैं बोलू मेरा प्रॉफिट यहां पे कम होता और प्रॉफिट कम होता तो टैक्स कम जाता अब मान लो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है खुद की प्रॉपर्टी खुद के प्रॉपर्टी में खुद बिजनेस कर रहे हैं तो हम भाड़ा नहीं जा रहा तो भाड़ा नहीं जा रहा तो भाड़ा यहां पे नहीं आ रहा नहीं आ रहा तो प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ गया तो बढ़ गया तो उस पर टैक्स भर लिया तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो उसपे ऑलरेडी टैक्स लग रहा है कौन से एड में लग रहा है बिजनेस में तो हाउस प्रॉपर्टी में उसको इग्नोर करना क्या करने का इग्नोर इग्नोर को हम लोग बोलेंगे तेल लेने गया क्या बोलेंगे तेल लेने गया या इसको अपन थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोल सकते हैं गोस टू बाय ऑयल क्या बोलेंगे तो देखो ये स्केल गिरा रहा है करके ठीक है बेटा गोस टू बाय ऑयल ठीक है तो देखो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दो तरह की होती है एक होती है लेट आउट प्रॉपर्टी लेट आउट मतलब आपका घर किसी को भाड़े पे दे दिया तो इनकम आ रही होगी खुश हो रहे होंगे टैक्स भरो उस पे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बट उसी को बिजनेस में यूज कर रहे हो प्रोफेशन में तो आपको इग्नोर करना कुछ भी नहीं करना कुछ भी नहीं करना इग्नोर करना है जैसा वो आपको करती है इग्नोर करो करके ठीक है क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे इनकम कमा के दे रही है ना मिस ये जो प्रॉपर्टी है ये जो प्रॉपर्टी है मैंने कुछ गलत बोला क्या मैंने कुछ गलत बोला ये, ये पाप लगेगा पाप कोई नहीं मिलेगी देख लेना ठीक है ऐसे भी इंडिया में सेक्स रेशियो में इश्यू है पता है तुमको हजार मेल नाइन थर्टी थ्री फीमेल सेवेंटी सेवन में तुम ही हो सिक्सटी सेवन हाँ भाई अब एक बात बताओ अब मेरी मेरी इधर देखो इधर देखो सब लोग ये तो हो गया सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जो बिजनेस में यूज कर रहे हो लेकिन बाबू ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर आपके पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और वो आप रेसिडेंस परपज के लिए यूज कर रहे हो मतलब उसमें आप रह रहे हो क्या कर रहे हो उसमें आप रह रहे हो एक बात बताओ अगर आपका घर है आपके घर में आप ही नहीं रहोगे तो कौन रहेगा अब एक बात बताओ आपके घर में आप ही नहीं रहोगे तो कौन रहेगा तो हम हमारे घर में रह रहे हैं तो उस पर थोड़ी कोई टैक्स भरना पड़ता होगा नहीं भरना पड़ता होगा ना कौन सा टैक्स भरना पड़ता है प्रॉपर्टी टैक्स इनकम टैक्स थोड़ी है भाई मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं एक बात बताओ आपका खुद का घर है खुद के घर में ही आप रह रहे हो तो पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता होगा क्योंकि भाई इनकम आ नहीं रही तो क्या क्या का टैक्स भरे लेकिन मैं बताऊं इंडिया में कुछ लोग ऐसे है ना जो बहुत रईस है रईस मतलब गजब लेवल के रईस ठीक है देखोगे उनके पास में छ छे घर है ठीक है एक जैसे पुणे में एक है वो मतलब कहीं पे अमरावती में एक है गोवा में एक जाओगे तो कहीं हांगकांग में करके ठीक है मतलब छ छत सात घर है मुंबई में लोग देखोगे उनके पास में छ छे घर है और छे में वो खुद ही रह रहे हैं। मंडे को उस घर में रहते हैं ट्यूसडे को बोला आज मन नहीं कर रहा इस घर में रहे थर्सडे को उस घर में रह रहे हैं हाँ किस किस को प्यार करूं? उसमें ऐसा है क्या तो भाई साहब किस किस को प्यार करूं? मंडे को उस घर में ट्यूसडे को उस घर में वेनसडे को उस घर में सैटरडे को उस घर में संडे को हॉलीडे पे ठीक है तो इतने सारे घर गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो रईस लोग जो है इतने सारे घर है और खुद ही पड़े हैं किसी को भाड़े पे दे ही नहीं रहे गवर्नमेंट ने बोला ये तो गलत है क्या बोला ये तो तुम ऐसा कैसे कर रहे हो कि इतने सारे घर लेके बैठे हो छह सात सात आठ आठ घर एक ही बंदे के नाम पे सब उसमें खुद ही पड़े हो तो खुद ही पड़े हो बोला ये गलत है गवर्नमेंट ने बोला कि हम अलाउ करते हैं कि दो घर आपके रहने के लिए काफी है कितने दो दो घर में आप रहो मजे करो दो घर में रहो ठीक है भाई ऐसे कौन हंसता है ऐसे हसेगा भाई क्या हुआ बताया आपको गवर्नमेंट ने बोला कि दो घर काफी है रहने के लिए आप बताओ इंसान के लिए दो घर काफी है ना मैं जैसे मान लो मैं बंदा हूं मैं मुंबई का हूं ठीक है मैंने एक मुंबई में ले लिया एक पुणे में ले लिया बहुत है ना पुणे वाले में कभी छह महीने यहाँ रहता हूँ तो यहाँ उसमें रह लेता तो, मुंबई वाले में मुंबई वाले में रह लेता हूँ दो बहुत है ना बट मैं ले रहा हूँ अलग अलग जगह बहुत सारे घर और उसमें मैं ही पढ़ा हुआ हूँ ऐसे ये तो गलत है ना करके ठीक है तो लॉ मेकर्स ने क्या बोला पता है क्या देखो अगर आपके पास में एस जिसमें आप रहते हो और जिसमें आप रहते हो वो अगर आपके पास दो एस है मतलब आपके पास दो ही घर है अगर आपके पास दो एसओपी है तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं छेड़ेंगे मजे करो आराम करो वो दो एसओपी है वो एग्जेप है मतलब उस पर कोई इनकम हो तो हो नहीं रही होगी करके ठीक है तो वो एग्जेमट है मीन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा घर है और सब में आप ही पड़े हुए हो करके ठीक है दो से ज्यादा एसओपी है आपके पास में दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो लॉमिकर्स बोलते हैं कि दो से ज्यादा एसओपी है ना तो हम क्या करेंगे इसमें से आपकी दो एसओपी तो है, दो एसओपी है, मतलब हम उसको कुछ नहीं करेंगे उससे इनकम तो हो नहीं कुछ नहीं करेंगे लेकिन दो से जो ज्यादा वाली एसओपी रहेगी मिस जो आपकी रिमेनिंग एसओपी है रिमेनिंग एसओपी है हम उसको डीएलओपी मान लेंगे क्या मानेंगे डीएलओपी और डीएलओपी का फुल फॉर्म होता है डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मीन्स आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया नहीं है तो भी हम क्या मानेंगे लेट आउट किया और डीम टू बी लेआउट प्रॉपर्टी अगर मान लिया तो बेटा डीम टू बी लेआउट प्रॉपर्टी पे हम इनकम कैलकुलेट करेंगे और वो इनकम जो है वो फुल्ली टैक्सेबल होगी उसपे टैक्स लगेगा तो बाबू एक बात बताओ आपके पास अगर दो ही घर है रहने को रहो कोई दिक्कत नहीं खुशी खुशी रहो इनकम टैक्स वाले तुमको नहीं छेड़ेंगे बट तुम अगर पांच घर में रह रहे हो पांच घर में रह रहे हो कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें ऐसे पांच घर में रह रहे हो और पांचों सेल्फ ऑक्यूपाइड है खुद के रहने के लिए गवर्नमेंट बोलती है यार तुम्हारे पास इतना पैसा है बट ये गलत है इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भाड़े पे रहने को घर नहीं मिल रहे और तुम पांच पांच में रह रहे हो हम दो आप कोई भी दो घर सेलेक्ट कर लो दो घर पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे बाकी वाले जो तुम्हारे तीन घर है पांच में से उसको हम मान लेंगे कि ये तो लेट आउट है।, है नहीं लेट आउट डीम्ड है डीम्ड डीम्ड का मतलब जो है नहीं और

कॉपी करो इसको हाँ क्या बोल रहा है बाबू हाँ तीनों वाइफ है तो तीन वाइफ इलीगल है हाँ हाँ भाई हाँ तीन वाइफ है लो क्या करना है तीन गर्लफ्रेंड है बोल हाँ अब तो साथ में रखो साथ में रहूंगा ना अच्छा रहेगा नहीं रह सकती वो और तुम रह लोगे जिंदगी में भाई तीन वाइफ के साथ बंदा रह लेगा लाइफ में और कुछ काम नहीं है आप उसमें रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट उस पर डिपेंड करेगा अगर रेजिडेंट हो इंडिया के तो बाहर के सब मिला के लेंगे पूरे वर्ल्ड के और अगर बाहर वाले हैं नॉन रेजिडेंट तो उनके लिए सिर्फ इंडिया का देखा जाता है देखेंगे दो प्रॉपर्टी बीबी के नाम पे करो दो प्रॉपर्टी खुद के नाम पे तो चार मजे करो चारों में ठीक है बट कोई क्यों ही करेगा यार एक बात बताओ आपको चार घर में रहने का क्या शौक है हा? क्या शौक है पैसा बहुत ज्यादा है हाँ बताएंगे ना बता, आ, आ, आएगा ना रुक जामन छोड़ दो ना इतना मेरे पे आएगा सब आएगा अब है ना मेरी बात सुनो जिन जिनके मन में डाउट आ रहा है होगा तो क्या होगा सर आधा घर मैं जिस घर में जहां रह रहा हूँ आजकल उन्होंने उसका एक रूम भाड़े पे दिया है बाकी वाला रूम उनके पास है तो क्या होगा एक प्रॉपर्टी सर छह महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है छह महीने भाड़े पे दी है तो क्या होगा सर अगर मान लो टेनेंट है वो भाड़ा खा के चला गया तो क्या होगा तो ये जो क्या होगा ना वो अपन पढ़ेंगे अगले तीन चार दिन हाँ तो जहां जहां पे, ये क्या होगा वाली जो इश्यू है दैट वी विल रिजोल्व डोंट वरी वाह इसका ड्रीवेट मिलता है यस पेम्बोलिया उसका इनकम कैसे निकालेंगे ये आपका डाउट है तो ये हमारा भी है हम यही आगे बात करने वाले हैं हाँ हाँ अरे भैया प्लीज लिसन ही क्या, क्या? रेंटिंग का ही बिजनेस है आपका मतलब किसी जैसे ए किसी बी किसी घर भाड़े पे लिया और आगे भाड़े पे दे रहे खुद हो खुद ही हॉस्टल चलाते हो कुल मिला के बोल दो तो बिजनेस में इनकम जाएगी अगर आप हॉस्टल चलाते हो होटल चलाते हो तो उसकी इनकम बिजनेस में जाएगी वो आगे आएगा चलो अब एक बात एक काम करते हैं हाँ 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 जिनका जो, मुझे पता है आपका डाउट क्या है मुझे पता है तो सॉल्व होगा अभी देख चलो हाँ तुम्हारा नाम क्या बेटा हाँ तनुश्री वाओ तनुश्री करके एक बच्ची है और हो गया सबका ये कॉपी करके कितने लोग स्टिल डूइंग मतलब अभी भी कर रहे हो कब तक करोगे यार जल्दी करो मेरे को लगता है हाँ अब एक बात बताओ ये जो है ना ये है तनुश्री तनुश्री हाँ एक बात बताओ ए भाई प्लीज लिसन अब अब जो डाउट है वो समझो ना तनुश्री जो है तनुश्री दादी जी है दादी जी जिंदा है? है ना हाँ ठीक है कोई बात नहीं साथ में रह रही है नहीं कोई दिक्कत नहीं बट जिंदा होनी चाहिए अब एक बात बताओ तनुश्री एक दिन गई अपनी दादी के पास अपनी दादी के पास गई किसके पास गई दादी जी के पास गई और दादी जी को जाके बोलती है कि दादी दादी एक बात बताइए ना ये हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे कैलकुलेट होगा हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये जाके बोली कि दादी दादी जायदाद में हिस्सा चाहिए ये नहीं वो जाके बोली कि दादी दादी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे कैलकुलेट होगा तो आप मुझे बताओ दादी अगर आप अपनी दादी को जाके बोलते हो या दादाजी को जाके बोलते हो कि हाउस प्रॉपर्टी का, का इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो दादाजी क्या आंसर करेंगे कि भाई सीधी सी बात है जो रेंट आ रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो रेंट आ रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हाँ भाई दादाजी दादी जी वही बोलेंगे ना कि जो रेंट आ रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम तो इसको भी यही बोला कि जो रेंट आ रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम फिर तनुश्री ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि दादी जी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर दो से ज्यादा हो जाती है तो उसको तो हम डीएलओपी मानते क्या मानते हैं डीएलओपी इस पर तो रेंट आता ही नहीं होगा भाई एक बात बताओ ये डीएलओपी जो होता है ये अल्टीमेटली है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ना इसमें तो कोई रेंट आता ही नहीं होगा तो दादी जी उसमें हम इनकम कैसे निकालेंगे तो दादी जी ने दिमाग लगाया दादी जी बोलती है फॉर दिस ठीक है हाउ टू कैलकुलेट द इनकम जब डीएलओपी है वो एसओपी है उसमें कोई पैसा तो आ नहीं रहा है तो उसमें इनकम कैसे निकाल के टैक्सेबल करेंगे वो आपको बीबी -बी सर बताएंगे दूसरा दादी जी से एक और क्वेश्चन दागा इसने तनुश्री ने बोला कि दादी जी दादी जी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे तो बोले सिंपल है जो रेंट आ रहा है वो इनकम बट दादी जी लोग तो क्या करेंगे पता है? जैसे हमारे पापा जी ने एक घर है वो किसी को भाड़े पे दिया है और दादी जी पता है ये जो घर है ना इसको भाड़े पे दिया है जिसका पर मंथ का भाड़ा जो है वो पचास हजार रुपया है बट पापा क्या करते पता है उसमें से सिर्फ चार हजार रुपया है ना वो चेक से लेते हैं और बाकी वाला फोर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज तो किसमें ले लेते हैं कैश और दादी जी ये तो काला पैसा है ये तो ब्लैक का पैसा है ये तो पापा जी बताएंगे ही नहीं तो दादी जी इसमें तो चिटिंग हो जाएगी ना दादी जी इसमें तो चिटिंग हो जाएगी ना कोई भी क्या करेगा घर भाड़े पे देगा और घर भाड़े पे देगा तो कुछ छोटू सा जो अमाउंट है इतू सा वो इतू सा अमाउंट चेक से लेगा अग्रीमेंट बनाएगा बाकी जो इतू सा अमाउंट है ठीक है इतू सा नहीं, इत्ता सा अमाउंट है वो किस में लेगा कैश में और कैश का मतलब क्या होता है ब्लैक मनी काला धन करके ठीक है जैसे बाबा रामदेव जी पहले बोलते थे पता है कि काला धन बहुत है आजकल वही बोलते हैं कि इस बिस्कुट में मेधा नहीं है करके ठीक है तो एक बात बताओ तो ये तो काला पैसा है तो दादी जी इसमें तो चिटिंग कर लेगा कोई भी कोई भी क्या करेगा चिटिंग और वो बताएगा कि थोड़ा सा जो इनकम है वो चेक से लेगा और इतने पे ही टैक्स भरेगा इस पे तो टैक्स भरेगा ही नहीं तो दादी जी ने बोला यार तेरे में दिमाग तो बहुत है मैं तो ऐसे ही तेरे को समझती थी पहले कि तेरे में दिमाग नहीं है अगर कि ठीक है तेरे को मैं दिमाग तो बहुत है तो इसके लिए अगर आपको ये जानना है कैसे कैश वैश में लेगा तो क्या चिटिंग होगा गवर्नमेंट ने क्या सोचा कैसे किया तो इसके लिए यू हैव टू ज्वाइन द क्लासेस ऑफ द बीबी सर ठीक है तो गाइस कल हम पढ़ेंगे क्या हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे निकालते हैं चलिए आज के लिए इतना बहुत है कल कंटिन्यू करते हैं थैंक्सर लॉट पीपल दट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड